इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। पूरी रात सोने नहीं दूंगा ऐसा कहा था। सोचा था थोड़ी मस्ती होगी, ये तो 11 बजे खराटे मारने लगा। मेरे हस्बैंड में तो रोमांस कम है और न्यूसेंस ज्यादा है। ए, कार, कार, कौन है? अजी जल्दी को हमारे कार को लेकर जा रहा है। तो क्यों इतना चिल्ला रही हो? कार को चुरा कर ले जा रहा है। मैं कर ले जा रहा है, चोरी करके जा रहा है। अरे रुक जा, मेरी कार, मेरी कार। अरे मेरी कार, मेरी कार, मेरी कार को लेकर जा रहा है। हाँ नमस्ते सिनू भाई, बस यहीं पास में हूँ, थोड़ी देर में आकर आपसे मिलता हूँ। हाँ सिनू भाई ठीक है। ए, ए, अरे मेरी गाड़ी, डोंट वरी यार। ए, 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 मेरी कार, मेरी कार। गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची 98.3 FM, बहुत हॉट है गुरु। चिल मारो अपनी स्माइली स्वाति के साथ। Yes, बहुत सारी लड़कियों को क्या पसंद होगा? शॉपिंग, yes, selfies, obviously, बहुत, but मुझे तो कार्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे मुझे कार्स के बारे में एक न्यूज पता चली है। न्यूज क्या है? हमारे इस शहर में कार्स गायब हो रही हैं। कार्स कैसे गायब हो सकती है? जानना चाहते हैं? Stay tuned, Radio Mirchi 98.3 FM, ये बहुत हॉट है गुरु। मेरी कार चोरी होगी सर। 10 रुपए बचाने के लिए अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की होगी। नहीं सर, पार्किंग में ही खड़ी की थी। तो फिर पार्किंग वाले को ही पूछो ना। कुछ नहीं पता सर। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? फोन रखो, बेवकूफ कहीं का। हेलो सर। नमस्ते सर, मेरी कार गई सर। कार क्या, दुनिया में सब कुछ चला जाता है, अफसोस मत करो। ठीक है अब नंबर बताओ। सर 8-3-225। घर का पता मत बताओ, कार का नंबर बताओ। अरे मुझसे गलती हो गई सर, AP28BG7163 सर। मिल जाएगी तो बताऊंगा। कब तक मिलेगी सर? हमारी जीप चोरी हुई थी तो 6 महीने के बाद मिली थी, तुम्हारी कार कब मिलेगी किसको पता है? चलो फोन रखाओ। सर सर मेरी कार चली गई ना। हाँ सर। ऑफर्स आते हैं जाते हैं सुनता आया हूँ, लेकिन अब कार्स भी आने जाने लगी। हाँ चलो आगे बताओ। सर वो कार मेरी गर्लफ्रेंड की है सर, उस चोर को किसी भी तरह पकड़ी ने सर। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ने के लिए बोल रहे हो? सर गर्लफ्रेंड को नहीं, उस कार चोर को। ठीक है टेंशन मत लो, पकड़ता हूँ। हाँ बोलो शीला। अभी तो घर से आया हूँ, इतनी जल्दी फोन क्यों किया? वो गया जी। क्या बोल रही हो, अब तुम्हारा क्या गया? आपने जो गिफ्ट में स्विफ्ट दी थी वो गई थी। हमें हमारी कार कब मिलेगी? मैंने कंप्लेंट तो किया है। किसका फोन है? ए चंटी मेरी कार चोरी हो गई यार, कौन टेंशन में हो? अरे कार मिलने के बाद फोन करूंगा। ए नारायण तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे आज सुबह सुबह मेरी कार चोरी हो गई, बहुत परेशान हूँ। अरे मेरी भी कार चोरी हो गई है, हर एक गली में ढूंढ रहा हूँ उसे, कहीं नहीं दिख रही। क्या कह रहे हो? हाँ अभी SI को फोन किया था, वो चौराहे पर आ रहा है, उससे मिलते हैं। सोचो मत। चलो चलो चलो। हे सर,
हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वो इसी एरिया में कहीं पर है। ऐसा क्या कार मिल गई क्या? ए, बात कर रहा हूँ ना मैं, तू बीच में क्यों बोल रहा है? जरा चुप बैठेगा। सर सर हमारी कार मिल गई क्या? सर बताइए सर। देखो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से हमारी कार यही कहीं पर है। हमारी कह रहे मतलब आपके भी चोरी हो गई? पेपर में छापोगे? सर कार में वाइफ भी थी और वो बिना पासवर्ड के वाईफाई जैसी है। देखो तुम अपना टेंशन मुझे मत दो, हमारी कार यही है। सर मैंने देखा उधर सर, सारी कार्स वहीं पर हैं। सुनिए जी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमारी कार भी गई जी। हम जिस आसानी से कॉलिंग बेल बजाते हैं वो उसी आसानी से कार्स उठाने लगा है। अब चाहे कहीं भी उसे पकड़ना ही होगा। सर वो देखिए वहाँ है कार्स। ओपनिंग मस्त था ना? Hey, कौन है रे तू? बप्पी। तूने ही हमारी गाड़ी चोरी की? चोरी नहीं रही, रिकवरी किया। तू कौन है गाड़ी रिकवरी करने वाला? मारूंगा तो बिना कवरेज एरिया में जाएगा तू। बाप्पी रिकवरी बाप्पी फ्रॉम HDFC। इलेक्ट्रिक बिल केबल बिल टाइम पर भर देते हो, ऐसा क्यों? वो कट करेंगे हम नहीं कट करेंगे, इसलिए लेकर आया हूँ। इज्जत से अपनी अपनी EMI भर दो और कार ले जाओ, और नहीं भरा तो इन कार्स को ऑनलाइन में डालकर बेच दूंगा। अरे मैं हाउस लोन ही नहीं भरता हूँ तो कार लोन क्यों भरूंगा? तो तुझे इतनी कार की क्या जरूरत है? तेरे लिए कार, तेरी बीवी के लिए कार और तेरी गर्लफ्रेंड के लिए। डुअल सिम है ना, बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। तुझे क्या हुआ? मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत है। ए, अपनी हालत तो देख लेते दूसरी औरत रखने से पहले। EMI भरने के लिए फोन किया तो तू बैंकॉक में, ऐसा कहा गया था, लेकिन तेरी कार तो पड़ोस में घूम रही थी इसलिए लेके आया हूँ। बैंकॉक वैसे गया क्यों था? मेरे बैकग्राउंड के बारे में तू नहीं जानता, MLA से लेकर MP तक सब जानते हैं मुझे। MLA और MP जनता के लिए इतना भी काम नहीं करता है, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ लोगों के लिए वो बड़े काम आता है। आज अपनी अपनी EMI नहीं भरी तो सिर्फ कार ही नहीं बल्कि तुम लोग भी यहाँ से जा नहीं पाओगे। क्या कहा? भरने के लिए तैयार है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अंदर लोन भरेंगे। वेंकटराव आपका हो गया, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आपका 3400 रुपए, अपना नाम बोलो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ए भाई देखो भागे नहीं। क्या यार, मैं लोकल थाना इंचार्ज हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? दो दिनों में देता हूँ। मैं भी लोकल हूँ, दो दिनों के बाद ले ले। दे दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कौन देगा? सुधर जाओ। चलो चलो सर आगे बढ़ो। कितना पैसा भरने के लिए कितना घूमेगा बे? अरे अभी तो पैसे कोई रिकवरी थोड़े गुंडागर दिया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर 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 कार तो मिल गई लेकिन वाइफ नहीं है। वाईफाई कहा था ना तुमने? अरे किसी के साथ कनेक्ट हो गया, खुद का झूठ। इतने दिनों से कहाँ थी? अपना नंबर बदल दिया क्या? नया नंबर लिखा? हाँ, बता दी। सेव करो तो। पता है क्या कर रही है? मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू इसके साथ कनेक्ट हो गई क्या? तेरी खबर लेता हूँ, तू घर चल मेरे साथ। फोन किया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? चल तू चल, मैं तुझे आज बताता हूँ। भाई बहने जैसे राखी बांध कर पैसा वसूलती है, हमने भी वैसे ही वसूल लिया। आज का अपना कलेक्शन 10 लाख तक हो गया यार। पब में पार्टी होनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की? लेट्स पार्टी। हे बॉडी बॉडी कम 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 कम, लाइफ इज अ पार्टी, कम 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 कम, वेलकम। अरे धीरे का हुनर ये सिखा दी।
बोलो भाई। अरे यार, अपने रत्नागिरी को किसी ने बुरी तरह मारा है, वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। ऐसा क्या? हे, इसकी माँ नहीं चाहती तो हम इसे मिलने क्यों आए हैं? है? अरे भाई, इसकी हालत देख। अरे यार, हाँ, एपी और तेलंगाना जैसे अलग हुआ है, वैसे इसके बॉडी का पार्ट भी अलग हो गया। अरे तुझे किसने मारा रे? पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गई है, अपना मुंह उस तरफ क्यों घुमा रहा है? शर्म आ रही है क्या? शर्म की बात नहीं है, हाँ। इसकी गर्दन निकल गई होगी। मुझे डाउट है यार, इसका टाइम पूरा हो गया लगता है। हाँ, कल नहीं तो परसों इसका श्राद्ध का खाना खाएंगे। चलो अभी चलते हैं। मेरा जो पैसा बाकी था आज देगा क्या? फ्रेंड्स हो ना तुम लोग? फ्रेंडशिप की वैल्यू क्या होती है तुम्हें नहीं पता? फ्रेंडशिप के बारे में बात करियो तो ऐसा लग रहा है जैसे नित्यानंद स्वामी प्रवचन दे रहे हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने इससे मिलने के लिए मना किया है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हुई है। क्या कहा था तुमने? फ्रेंड हवा के झोंके की तरह होते हैं, अगर हवा ना हो तो इस दुनिया में कोई जी ही नहीं सकता। ऐसा क्या? तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, हम लोगों ने ही तुम्हें गलत समझने की भूल की। इसकी हालत ऐसी होगी कभी नहीं सोचा था। आप परेशान मत होइए, हुआ क्या है वो बताइए। कल से पूछ रही हूँ, ये कुछ भी नहीं बता रहा। फैमिली को तो नहीं बता रहा है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करेगा। चल बताना क्या हुआ है। ए, तेरे से पूछ रहे हैं, बोलना। अरे बोलना क्या हुआ? क्या यार, बता भी देना। बोलेगा क्या हुआ? क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। बहन की शादी करने के लिए छुपा कर रखा हुआ 10 लाख रुपया माँ से लेकर एक सुपरमार्केट खोला था। बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है क्या? सुपरमार्केट तो ठीक ठाक ही चल रहा है यार। तो फिर क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलना। इंटरेस्ट के लालच में जिसे मैं नहीं जानता था, मैंने उसे भी कर्जा दे दिया। तो क्या 10,000 रुपया उधार हुआ होगा? 10 लाख यार। 10 लाख? ये तो बहुत है यार, ये तो बहुत है यार। गवर्नमेंट जिस तरह किसानों को पैसा दे रही है, वैसे तू दे रहा है क्या? मैंने सोचा था वो लौटा देंगे। तुझसे जिन्होंने कर्जा लिया है वो छुप कर घूमेंगे, लेकिन तेरे पैसे नहीं लौटाएंगे। हाँ, एकदम सही बोला यार। डर लग रहा है यार, बहन की शादी नहीं रुक जाए कहीं। प्लीज कुछ करना यार। मार्केट में जो पैसा देता है वो अच्छी तरह से वसूल करता है, तो तू भी कुछ ऐसा क्यों नहीं करता? मेरी माँ ने तुम्हें गाली दी, इसलिए सोचा कि तुम लोग शायद आओगे नहीं। अबे ए, कभी गंजे को अपने बाल बनाते हुए देखा है? माँ ने डांटा तो फ्रेंड्स को छोड़ देगा क्या? तू रिकवर होने से पहले तेरा सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। थैंक्स यार। चल गंजे वाला लिस्ट बता। बताता हूँ। चलो यार। चल चल चल। चल चल। चलो यार। चलना। आहा। ओ। इधर ही। नाइस। अरे ये ला इधर दे। इसमें ही है वो लिस्ट। हाँ, रविशंकर 5,116 रुपए, भवानी 10,116 रुपए, नारायण 6,170। ऐसे पढ़ रहे जैसे शादी में चढ़ावा चढ़ाते हो, ठीक से पढ़ना यार। सही का? अबे ठीक से पढ़ना कदे। बाबूराव 4,000 रुपए, मिस्टर ईगो 1,50,000। मिस्टर ईगो? राजमोहन रेड्डी पता है, जगनमोहन रेड्डी पता है, ये मिस्टर ईगो कौन है? मिस्टर ईगो? अरे ऐसे घबरा क्यों रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना। तो इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है वो। जैसे बच्चों को बलून पसंद है ना, वैसे उसे ईगो पसंद है। कुछ लोगों का ईगो तो कुछ ग्राम होता है, उसका ईगो तो कई टन में है। अरे हम जैसे लोगों का पैसा लेकर वो अय्याशी करता रहता है। एक बार को दाऊद से पंगा ले सकते हो, पर उससे पंगा नहीं ले सकते। पंगा लेंगे तो वो क्या बिगाड़ लेगा? समझ नहीं रहा। अरे पिंजरे में रहने वाले टाइगर को कोई भी देख सकता है, पिंजरे में जाकर फोटो खींचने वाला ही मर्द होता है। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई? इतना भी डायलॉग नहीं होगा तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी यार। वो कहाँ रहता है जल्दी बता। मैं उसके पास गया था पैसा मांगने, तो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे बाकियों से वसूल कर उसे जाने देते हैं यार। चलो पहली रिकवरी उससे स्टार्ट करते हैं। ए, आर यू श्योर? अरे बोल वो कहाँ रहता है। अपना भाई आ रहा है, चलो गाना बजाओ। बात कर रहा हूँ और ये गाना बजा रहा है। हाँ बोलो क्या बात है। मारा क्यों? गाना क्यों बंद किया? अरे बात कर रहा हूँ तो उसमें डिस्टरबेंस हो रही थी। hey, hey, hey! मिस्टर ईगो हूँ मैं। भाई के ईगो के लोगो बनाए जाते हैं। मेरे ईगो को हर्ट करेगा तो मिट्टी में मिला दूंगा। जा गाना बजा। गाना नहीं बजाऊंगा तो क्या कर लेगा तू? खत्म कर दूंगा। खत्म करेगा? खत्म करके दिखा। इस 2x2 को जरा अपना दम तो दिखा। हेलो, हाँ बोल भाई, तुम्हारी बहन कैसी है? तुम्हारा नया जीजा बोल रहा हूँ। क्या सोचा, क्या करेगा? गाना बजाऊंगा भाई। भाई फोन।
हेलो, बोल, कौन बोल रहा है? नमस्ते भाई, मेरा नाम बापी है। हाँ कहो, क्या बात है? एक छोटा सा मनी सेटलमेंट है भाई, उसे तुम ही सेटल कर सकते हो। सिटी में हर सेटलमेंट मेरे इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, घर आ जाओ वहीं बात करेंगे। थैंक यू भाई, ओके आ रहा हूँ। उसने घर पे बुलाया, खाना खिलाएगा क्या? उसके घर पे जाना है, चल जल्दी। 501, 502, 503, 404, 504। शुगर, तुम जब भी इंजेक्शन देती हो तो मेरी नस फड़कने लगती है। इसको कहते हैं नस की वीकनेस। मेरे ईगो को अगर हट किया ना तो तेरी नस निकाल कर मैं गिटार बजाऊंगा। तू चालू रह। फुलझड़ी, तुम मेरे दिल में आग लगा रही हो। शर्मा गई? तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए मैं पूरे शहर में आग लगा सकता हूं। मिस्टर ईगो नाम है तो ऐसा लगा था बहुत बड़ा गुंडा होगा, लेकिन ये तो शक्ल से कॉमेडियन लगता है। सही बोला। भाई नमस्ते भाई। कौन हो तुम? भाई थोड़ी देर पहले फोन किया था ना। और ये? मेरा फ्रेंड है। क्या रे, अपनी आंटी को चश्मे के पीछे से क्यों घूर रहा है? आंटी तलवार की धार है, बनाना को बनारसी साड़ी पहनाया ऐसा लग रहा है। पसंद अच्छी है आपकी भाई, लेकिन आप दोनों के बीच में जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वही सोचा कि बीवी ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे ईगो को हर्ट नहीं करता। फुलझड़ी, तुम उसे क्यों घूर रही हो? मैं इसे घूरका रही हूँ जी, बस मेरी आंखें उस पर बार बार जा रही है। सुनो, तुम अपना फोकस सिर्फ मुझ पर रखो, चलो अंदर जाओ। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? मेरे दोस्त को 1.5 लाख रुपए देना था, उसने पैसा मांगा तो उसे मारा। वो बहुत बड़ा गुंडा है भाई। वो कितना भी बड़ा गुंडा हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उस गुंडे का नाम तो बताओ। मिस्टर ईगो भाई। ये कैसा मजाक है? मिस्टर ईगो से गेम खेल रहे हो? आखिर तुम लोग हो कौन? सुपरमार्केट रत्नदीप के मालिक के हम लोग फ्रेंड्स हैं। हाँ हो तो उससे क्या? भाई उसके पैसे उसे वापस दे दो ना प्लीज भाई। पैसा डालकर निकालने का प्रोसीजर इस मिस्टर ईगो के बैंक में नहीं है, ये दिवाला निकालने वाला बैंक है। यहाँ सिर्फ डिपॉजिट्स होते हैं, विड्रॉल नहीं होते हैं। अब एटीएम तो आ ही गया हूं। अब पैसे कैसे निकालना है मुझे पता है। कैसे निकालेगा तू? ऐसे मसाज करते हैं क्या? भाई का भेजा इधर, ठीक से नहीं कर सकता, ठीक से कर। अबे मैं कह रहा हूँ ना, इधर इधर मसाज कर। देखो भाई मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है, उसे पैसे दे दो। अरे देखो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ मसाज कर, भाई का भेजा घुटने में है, उसे ऑयल लगाकर मसाज करेगा तो भाई का दिमाग ठीक से काम करेगा, समझा? वैसे तू बराबर कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है एकदम। भाई समझने की कोशिश करो ना, मेरा दोस्त बड़े प्रॉब्लम है, आप पैसे दोगे तो मेरा दोस्त का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। क्या भाई, सिर्फ 1 लाख रुपए की तो बात है। अरे मेरा गुड्डा! भाई ये देखो, मेरे पैसे देकर इसे ले लो। एए, अंगूठा छीन लो। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते। के तेरी तो इसका तो दिमाग भी उड़ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे हाथ लगाते हो? तुम्हारी अरे
लकड़ी लेके आ कोई ओ तेरी तो वो देख नाटक कर रहा था चल पकड़ परेशान मत हो भाई डॉक्टर को बुलाया आते ही होंगे नमस्ते 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 क्या प्रॉब्लम है भाई का कट गया क्या कट गया अंगूठा सर अंगूठा अंगूठा मैंने सोचा कि सब ठीक है इसलिए तो बड़े लोग कहते हैं कि हर कहीं अंगूठा नहीं करना चाहिए वरना अंजाम बहुत बुरा होता है अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य ने जिस तरह से एकलव्य का अंगूठा ले लिया था ना उसी तरह उसने अपने दोस्त के लिए भाई का अंगूठा ही ले लिया अरे डिटेल्स बताने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल है आप कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए इतनी भारी भरकम बॉडी है और उसमें इतनी सारी बीमारियां पाल रखी है तुम आखिर इसके साथ हो क्यों ब्लड जा रहा है डॉक्टर एक घंटे में तुम भी चले जाओगे ये ब्लड अगर तुमने किसी ब्लड बैंक में डोनेट किया होता तो किसी पेपर में फोटो छप जाती पर अब तो फोटो कहीं और ही टंगेगी डराओ मत मेरी पैंट गीली हो जाएगी आप देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर दो मिनट में तुम्हारी उंगली यहाँ नहीं आई तो उसे मुझ जैसा काबिल डॉक्टर तो क्या ऊपर वाला भी नहीं जोड़ पाएगा मेरे कहाँ फंस गया अरे तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या पहले वो पेंसिल इधर ला इज्जत से कहता हूँ बॉस का अंगूठा दे दे वरना गुंडे सामने खड़े और ये पेंसिल छील रहा है धमकी के बाद भी कोई एक्सप्रेशन नहीं मुझे तो ढीठ लगता है भाई hey! मच्छर के जैसा है तू तेरे से क्या डरना बे तेरी तो पर्सनालिटी देखकर पर्सन को कम नहीं समझना चाहिए जिसमें स्मार्टनेस होता है वही ताकतवर होता है आजा 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 ये ले पकड़ पकड़ क्या कर रहा है पकड़ो उसे पकड़ो आगे ले पाए ए कहां गया रे ये एनर्जी ड्रिंक है इसे पीकर देखो बहुत मजा आएगा हाँ भाई ये तो फिनाइल जैसा लग रहा है अरे फिनाइल ही तो है आशीर्वाद मिर्ची पाउडर कलर कम तीखा ज्यादा ये तो मुझे क्यों बता रहा है आंखों में डालने के लिए बता रहा है मेरा अंगूठा मिला भाई आप तो सिर्फ बातों से ही बैंड बजाते हो ये तो लात घूंसों से बैंड बजा रहा है अरे तो फोन उसे दे ये लो भाई लाइन पे बात करो हाँ बोलो ईगो भाई अरे मेरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे आदमियों को तूने बहुत मारा है ना तेरी ताकत को मैं पहचान गया हूँ तेरे पैसे मैं भिजवा देता हूँ मेरी उंगली तो सेफ है ना उंगली एकदम सेफ है पैसे देकर ले जाओ अरे वाह सेफ है ए जल्दी पैसा ले जाओ अरे उंगली नरेंद्र 20, 40, 60, 80, 100 भैया का ये ना जा जाके चिपका दे जा ना ये देख अब खुश है ना अरे चल यार कितना कमजोर हो गया है ये ले खा खा ये देख कहाँ जा रहा है रुक जा ऐसे घूर क्या रहा है पढ़ना उसे पढ़ना है मैंने कहा ना पढ़ना ठीक है सबके लिए सूचना रत्नदीप सुपरमार्केट में जिसने भी कर्जा लिया है वो जल्द से जल्द चुकाए वरना मिस्टर ईगो की तरह उंगली काट कर किडनी आंखें ब्रेन सब निकाल कर भेज दिया जाएगा और कर्जा वापस ले लिया जाएगा भाई मुझे एक डाउट है क्या तुम लोगों ने सच में ईगो की उंगली काट ली है इधर इधर तुझे डाउट है तो उसी से पूछ हमारी बात पे डाउट करता है तेरी तो भाग अरे ये सब क्या हो रहा है मुझे पता होता कि इतनी पब्लिक मेरे सपोर्ट में है तो मैं अपनी पार्टी बना लूंगा आप मुझे एमपी में भी कुछ तो बना दोगे ना अरे तुम्हें पता नहीं एमपी बहुत बड़ा पोस्ट है तू मुझे इसी तरह सपोर्ट करती ना मैं तुझे कॉर्पोरेटर बना दूंगा भाई एक बार अपनी उंगली दिखाइए भाई प्लीज लोग मेरी उंगली कटने पर कितना अफसोस कर रहे हैं तो उंगली दिखा दिखा दो ना भाई सच बात है यार कट गई अचानक इतनी शांति क्यों हो गई एक बार जरा उधर देखो अरे ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं वो आपको देखने नहीं आए थे भाई तो फिर आपकी उंगली कटी है नहीं ये कंफर्म करने आए थे ऐसा क्या विश्वास नहीं हो रहा है क्या चलो चलो ऐसा तो आगे बढ़ो क्यों बे सब वसूल हो गया ना हां जो भी था सब वसूल हो गया यार तेरे जैसा दोस्त हो ना तो कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा क्या आंटी आप भी ऐसी बात कर रही है हमें आदत नहीं है भैया थैंक यू सो मच भैया ओह नो तेरे फेस पर सेंटीमेंट सूट नहीं करता तेरी शादी है शर्माने की प्रैक्टिस कर जा शर्माने लगी ठीक है ठीक है लड़की वाले आ रहे हैं तैयारी शुरू करो श्योर
लड़का या लड़की? आंखों से दिखाई नहीं देता। अरे मैं पूछ रहा था, आप लड़के की तरफ से कि लड़की की तरफ से? ये तुझे मेरी बीवी से मार खाने से पहले पूछना चाहिए था ना, क्यों कैसी लगी? सुपर लगी अंकल। मैं थप्पड़ की मार की बात कर रहा हूँ। जोर से लगी अंकल। शादी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ए पापी! अरे बाप रे, अबे ये कहाँ से आ गया? अंकल, मेरे दोस्त को आप जानते हैं क्या? जितना मैं चंद्रबाबू नायडू को और जितना मैं YS जगन रेड्डी को जानता हूँ ना, उतना ही मैं इसको भी जानता हूँ। ए बापी, तू इतना डर क्यों रहा है यार? वो तुझे जानता है? अच्छे से जानता है। उसका नाम भद्रा राजू है, मेरे पापा का फ्रेंड है। हाँ। मुझे देखती है च्युइंगम की तरह चिपक जाता है, इससे पीछा छोड़ना पड़ेगा। ए बापी, हाँ। पहचाना नहीं क्या रे? तेरे पापा का फ्रेंड कृष्णा, भूल गया क्या? अरे आपको कैसे भूलूंगा, बचपन से जानता हूँ आपको। तुझे मेरी बेटी तो याद है ना? बहुत साल पहले, मतलब बचपन में देखा था, अब भूल गया। अरे तू उसे अभी देखेगा तो कभी नहीं भूल पाएगा। ओ मेरी बेटी गुड़िया, जादू की है वो पुड़िया, उसके पीछे पूरी दुनिया। ए बेटी गुड़िया, आजा आजा। अरे तू इसे घूर क्या रही है? तू बचपन में जिससे शादी करना चाहती थी ना, ये वही बापी है। अरे इसे हाय तो बोल। हाय बापी। अरे इस लड़की से शादी किया तो जिंदगी भर इसकी बॉडी का बॉडीगार्ड बन जाएगा। क्यों, कैसी लगी? एक छोटा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। हाँ मैं आया। तुम लोग क्या कर रहे हो? ए बापी सुनो, तो ये क्या है डैडी? डोंट वरी, इसने 1-2-3 का पाठ पढ़ा हुआ है, तू जाके इसे 1-4-3 का पाठ पढ़ा दे। अब जा ना। yes, उसे। हेलो वरदराज जी, कौन है वो लड़का? बापी, मेरा होने वाला दामाद। ये क्या यार, ये डिजाइनर अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं अब तक क्यों नहीं। हाँ यार बहुत लेट हो गया है। क्या है ये, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? एक्चुअली हम लोगों को साड़ी पहननी नहीं आती। अच्छा, इसलिए हमने एक फैशन डिजाइनर को बुक किया था। उसने हमें धोखा दे दिया। तो अब क्या ऐसे ही रहने का विचार है? तो कर क्या सकते हैं? ओके झुम झुम बोले शहनाई, शगना दी घड़ियां है आई, शादी की खुशियां घर में है छाई, रब ने उमंगे बरसाई। लगी है लकी ये लकी, असी वो वाली जो सोने माही के
लड़का भी लकी है जो मिली है ये लड़की। अब जल्दी जल्दी से बात मंगल सूत्र ना निकल जाए शुभ घड़ी। मर्जी हो गई अब तो रब की, दिल से दिल की है जोड़ी ये बने। धागे कच्चे रिश्ते हैं पक्के, खुश रह तू सदा यही रब से है दुआ मेरी। काव्या, काव्या, ये सब क्या है? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं और तुम घर से भागती रहती हो। ये चौथी बार था। भाभी, पहले ही कह चुकी हूँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप जब भी रिश्ता देखेंगी मैं भाग जाऊंगी। तुम दोनों भाई बहन के बीच में मैं फंस गई हूँ। अच्छा, वैसे वो है कहाँ? तुम्हारे भैया आते ही होंगे, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, फिर से तुमने किसी को बुलाया? ए, चल भाग जा, सर को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सुन, तेरे भाई के बोलने पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, चल भाग, निकल यहाँ से। चल जा, जा। पुलिस वालों को मार कर भाग रहा था, इसीलिए इनकाउंटर करना पड़ा। ऐसी फाइल बनाओ। जजमान, लड़की का नाम काव्या है, बहुत अच्छी लड़की है, और उसकी क्या तारीफ करूं? एक सांसारिक लड़की के सारे गुण उसके अंदर है। इनसे मिलिए, ये इनकी पत्नी है। नमस्ते, 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 नमस्ते बहन जी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इनके बारे में कुछ नहीं, मैं शहर का बारे में क्या कहूँ, पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है। जो प्यार करेगा फिर धोखा देगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही मैं एनकाउंटर करता हूँ। प्यार के नाम पर जो लड़की को धोखा देगा उसे मैं मार दूंगा। अरे, टीवी वाले ऐसे दिखाते रहते हैं, टीवी देख करके डरिए मत, ये प्रोफेशन में सीरियस हैं। इसके अलावा एकदम फैमिली मैन, सही कहा ना? ठीक है, जरा लड़की को बुलाइए, बहन को बुलाइए। काव्या, काव्या, ये क्या है पंडित जी? आप में से दूल्हा कौन है? तू बैठ जा। ये क्या है पंडित जी? आपने तो कहा था कि लड़की संस्कारी है, ये तो टॉवल में ही आ गई। लड़की मॉरल वाली है इसलिए मॉडर्न कपड़े पहनती है। मुझे पसंद है डैडी। बेवकूफ, अभी तो हम इसे सिर्फ देखने आए और ये टॉवल में ही आ गई, कल पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगी। हमें ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। सुनिए सुनिए, बैठिए तो, कल जरा घर पे आइएगा, मैं बात करता हूँ आपसे। चल सन्नी के लिए लड़का ढूंढ कर शादी करवा सकता हूँ, मगर आपकी बहन के लिए माफ कीजिएगा मुझे, धन्यवाद। अरे सुनिए तो, ये क्या कर दिया तूने? माँ नहीं है इसलिए इसे कुछ बोलती नहीं हूँ। आप रिश्ते ढूंढते हैं और ये तोड़ देती है, फिर भी आप रिश्ते लाते ही रहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? लोगों के लिए चाय बनाते बनाते मैं भी थक गई हूँ। ये क्या, तूने फिल्म कहा था, यहाँ कहाँ ले आई? एसीपी की बहन हो और इलेक्ट्रिक बिल भरोगी? हाँ, तुम्हें पता है ना भैया कितने स्ट्रिक्ट हैं, बिना बहाना बनाए भाभी घर से बाहर नहीं आने देंगी, इसीलिए ये रीजन देकर आई हूँ। इस तरह तो फिल्म मिस हो जाएगी। हम टाइम पर पहुँचेंगे। हाय, तुम? अरे यार, मैं हूँ, तुम्हें याद नहीं आ रहा? उस दिन हम लोग शादी में मिले थे, अब कुछ याद आया? ओह यस यस, याद आया।
तुम्हारे डांस ने तो शादी में चार चांद लगा दिया था। ओहो, तुम जैसी लड़की ने तारीफ की तो जरूर कुछ काम होगा। अच्छा तुम समझ गए। बता दो क्या काम है। मेरा बिल भरोगे? हाँ, जरूर। मैं सुबह से आकर लाइन में खड़ा हुआ हूँ, तुम बीच में आकर बिल भरने को बोल रही हो, कैसे चलेगा? जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। हेलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हम लोग कॉफी साथ में पीते हैं, शॉपिंग साथ में करते हैं और बिल भी साथ में भरते हैं। आप समझ में आया? मुझे क्या पता था ये बॉयफ्रेंड है। भर लो बेटी भर लो, हमारी किस्मत खराब है। बिल? श्योर, ओके। बाप रे, बहुत ही डेंजर है। आपके उस एनकाउंटर के बाद हर लड़का लड़की इस शहर में एक दूसरे से मिलने से डर रहे हैं सर। बिल, थैंक यू। सॉरी, उन लोगों के सामने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कह दिया। ओह, इट्स ओके, बाय, सी यू। एक्सक्यूज मी, कैश? ओह, मैं तो भूल ही गई। मुझे याद है। या, थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? ओह, इट्स ओके, जरूर ले सकते हो। वन सेकंड, गॉक्स कम। यस, काव्या को किसी लड़के के साथ इतना क्लोज होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। नाइस मीटिंग यू, बाय। ओके बाय। हाय, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, चलो। कौन है आप लोग? ए सर, कौन है पता नहीं है क्या? कोई भी हो, मुझे उससे क्या? हाय वेंकट, डिस्कशन नहीं करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए। सर सर सर, मेरी बात सुनिए सर। क्यों रे, तू उसे लव करता है क्या? लव? और मैं? सर, उस लड़की से प्यार करना तो दूर, मैंने तो उसे फूल भी नहीं दिया सर। सर, सच में सर, आपकी कसम, मेरा यकीन कीजिए सर। ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, अगली बार अगर तुझे उस लड़की के साथ देखा तो बातचीत नहीं करूंगा, सीधा शूट कर दूंगा। छोड़ दो इसे। ओके सर। ये क्या हो रहा है बाबा, ट्रैफिक के सिग्नल की तरह ये हर जगह मुझे नजर आने लग गई है। उस दिन इसी लड़की की वजह से मुझे मार पड़ी थी, अब इससे बताता हूँ। सर, वो मॉल के थर्ड फ्लोर पर है। शो मी दीज। हेलो, 1240। हाँ? ए, 1240 क्या है? आपका नाम नहीं पता ना, इसलिए पेमेंट के आंकड़े से बुलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉपिंग करने आए हो? शॉपिंग करने नहीं। हाँ? तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए आए हो? हाँ? क्यों, फॉलो कर रहे हो? ओहो, फॉलो मैं तुम्हारा नहीं बल्कि तुम मेरा कर रही हो। उस सेल्फी की वजह से मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया हूँ। वो कैसे? बताता हूँ, तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे रिलेटिव में कोई बंदा पुलिस वाला है क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव केस में तुम्हारी गाड़ी फंसी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कैजुअली पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, एसीपी गौतम कृष्णा मेरे भाई हैं। एसीपी गौतम कृष्णा तुम्हारा भाई है? Cheers! आजा यार, बैठ 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 जा, बैठ ना। क्या हुआ यार, इतना डल क्यों है? एक पैक मारना। आज मेरा एनकाउंटर होने वाला था। हैं? एनकाउंटर? जस्ट मिस हो गया। बुलेट को इतनी करीब से जाते देखा है मैंने। क्या, बुलेट को? हाँ, कल रत्नदीप की बहन की शादी में। अरे कल नहीं यार, उसको तो एक हफ्ता हो गया। अबे चुपचाप सुनना, वहाँ एक लड़की मेरे साथ डांस करी थी ना। वो लड़की एसीपी की बहन है। तो प्रॉब्लम क्या है बोलो? ए, वो लड़की अनएक्सपेक्टेडली मुझे दो बार मिली तो उसका भाई मुझे उसका लवर समझने लग गया। हाँ, तो उसके पास क्यों गया था तू? ए, मैं उसके पास नहीं बल्कि वो खुद मेरे पास आई थी। हाँ। अरे बापी, वो पहले से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, 2 किलोमीटर दूर से ही उड़ा देता है। आज मिस हो गया तो क्या, रोज थोड़ी मिस होगा। मेरी बात सुन, जाके उसे क्लियर कर दे, सेफ रहेगा, प्लीज यार। अरे यार, तुम लोग इस तरह से मुझे डराओ मत, मुझे कोई आइडिया दो प्लीज। हाँ? बताता हूँ सुन। हाँ? अभी तू ऐसी सिचुएशन में है जहाँ तेरा कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ? सीधा उसके घर पे चला जा,
उस लड़की और तेरे बीच क्या संबंध है चुपचाप उसके भाई को बता दे। ये काम करेगा क्या? जरूर करेगा। अरे बाप रे। ओए, उसके सामने गया तो एनकाउंटर कर देगा। इस वक्त गेट से जाने से अच्छा पीछे से जाना अच्छा रहेगा। ये वॉल तो चाइना वॉल की तरह लग रही है। अरे मैं तो डर गया, बिल्ली की तरह दीवार क्यों चढ़ रही हो? तो क्या शेरनी की जैसे चढ़ो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई से मिलने के लिए आया हूँ। ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? ओह, अपने घर से भाग रही हो क्या? नहीं नहीं, जॉगिंग करने जा रही थी। वैसे जॉगिंग के लिए बैग की क्या जरूरत है? सब पता कर लिया। अब बताओ तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा भाई हम दोनों को लवर समझकर मुझे खत्म करना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ? यस। मुझे लव से नफरत है। मुझे भी नफरत है। ज्यादा टेंशन नहीं है, एक बार तुम अपने भाई को जाके बस इतना बोल दो कि हम दोनों के बीच में प्यार व्यार कुछ नहीं, उसके बाद तुम सरहद के पार चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों भाग रही हो? अपने भाई को बता कर भागो ना। अपने भैया को बता पाती तो इस तरह दीवार फांद कर क्यों जाती मैं? तुम मेरा रास्ता छोड़ो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर तुम चली गई तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। प्लीज सी, तुम्हारे चक्कर में मैं प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहती। अरे सुनो तो, एसी पिसाब, आपकी बहन भाग रही है। आपकी बहन का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे सुनो तो। हेलो सर, मेरा शक सही निकला। वो मेरी बहन को भगा कर ले जा रहा है। शहर में नाकाबंदी कर दो, वो इस शहर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। ओके सर। हे, ओटो ओटो ओटो, चलो सर, चलो चलो। ए ए ए, तुम्हें शिक्षा में क्यों बैठ गए? अगर मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया ना तो तुम्हारा भाई मुझे फॉलो करेगा। सुनो ना, अपने भाई को एक बार बोल दो ना। अरे ओ भाई साहब, कोई भी बहन अपने भाई को बताकर लवर के साथ भागेगी क्या? ए, हम लवर से, ये तुझे किसने बताया? किसी को बताने की क्या जरूरत है? बच्चे बैग लेकर निकलते हैं स्कूल के लिए, आप जैसे लोग निकलते हैं तो भागने के लिए, ये तो पता चल ही जाता है। मैंने तो बहुत देखे हैं, जब मेरे पैसेंजर मुसीबत में होते हैं ना तो मैं उन्हें बीच राह में नहीं छोड़ता। एक फोन पे रिक्शा वाले जमा हो जाएंगे। बस बताओ मुझे क्या करना है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन चलो। बस इतना ही? ए, तुम लोग पीछे की तरफ देखो। हेलो सर, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी रेलवे स्टेशन पे है सर। कुछ भी हो जाए वो लोग बचने नहीं चाहिए, हर जगह अच्छी तरह चेक करो। डन सर। ए, चलो, शहर का कोना कोना छान मारो। पुलिस यहाँ पर क्यों है? वो तो हर रेलवे स्टेशन पे होती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई को पता चलने से पहले मैं यहाँ से भाग गई होती। एसीपीजी क्यों चिल्ला रहे थे? भैया ने लगता है सब पुलिस वालों को अलर्ट कर दिया। भैया जी, नागपल्ली चलो। तुम नागपल्ली जाओ या फिर लिंगापल्ली जाओ, तुम्हारे भाई का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, कहीं भी जाओ मिल जाएगा। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ए, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सिटी से बाहर ले जाने का जिम्मा मेरा है, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है? शहर से बाहर जाने के बाद तुम अपने भाई को फोन करोगी और उससे कहोगी कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। डील ओके ना? ओके। ऑटो। हाँ भाई। यू टर्न लो। हाँ ठीक है, लेता हूँ। हेलो काव्या, निकल गई हो ना? हाँ निकल गई। रिजर्वेशन करवाया कि नहीं? रिजर्वेशन करवा कर आने के लिए? मैं कोई शादी में जा रही हूँ क्या? मैं भाग कर आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जा, मैं तेरा ही वेट कर रही हूँ। ओके बाय। हाँ रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। उतरो। नहीं भाई, पैसे नहीं चाहिए, लवर्स के पास से पैसे नहीं लेना। लेकिन एक छोटी सी बात है, लड़कियां मौसम की तरह होती हैं, उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। प्यार करती हैं तब तक अच्छी रहती हैं, शादी के बाद बदल जाती हैं, ध्यान रखना। तू कहां से मिल गया बे हमें? अरे हाँ, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। अबे जाना जा। ठीक है, मुहूर्त निकलने से पहले आ जाऊंगा। हाँ अब फोन रखो। भाई हम सबको छोड़कर क्यों जा रहे हो भाई? अरे उस बापी की वजह से मेरी उंगली कट गई, उसके बाद लोगों में मेरा डर हट गया, मेरी गर्लफ्रेंड भी किसी के साथ भाग गई। सुनो, रेगिस्तान में तो हम लोग बिना मोबाइल के जी सकते हैं, लेकिन जहां इज्जत नहीं वहां नहीं जी सकते। मेरी बहन ने मेरे लिए एक लड़की देखी है, शादी करने के बाद मैं गांव में ही सेट हो जाऊंगा। लाओ मेरा बैग दो। जब शादी करनी थी तब तो किया नहीं, अब क्यों कर रहे हो भाई? सुनो, तोता को मैना की और आदमी को मीना की जरूरत रहती है, इसीलिए तुम लोग भी बैचलर लाइफ छोड़कर शादी करो और फैमिली लाइफ को एंजॉय करो। आप हमारे लिए सोच रहे हैं भाई? भाई। अरे ए, इमोशनल नहीं होना। भाई, हमें छोड़ के मत जाइए भाई। अरे सुनो, मेरे लिए तुम लोग मत रो,
अपने लिए, अपनी होने वाली के लिए रोना सीखो। गाड़ी आ गई, मैं चलता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताता हूँ, बैग दो। ए, जब तुम मेरे घर की दीवार पर चढ़े थे ना, मुझे तभी डाउट हो गया था कि तुम एक बहुत बड़े चोर हो। अरे बाप रे, तुम्हारा घर एक बड़ा सा पैलेस था और तुम वहाँ से ज्वेलरी लेके भागी हो, हाँ? अरे बैग दो, फिर बताता हूँ। मैं आइडिया लगाता हूँ ना। एक्सक्यूज मी, टेक योर सीट। तुम जैसी लड़कियां सब भूल सकती हैं, लेकिन इसे नहीं भूलेंगी। सुनामी भी आ जाए तो भी रेडी होकर निकलेगी। पागल हो गए हो क्या? बैग क्यों चेक कर रहे हो? इसके लिए, यही चाहिए था मुझे। ए, तुम करने की क्या सोच रहे हो? कैसा लगा आइडिया? तुम तो स्मार्ट निकले। अरे वो देखो, ट्रेन आ चुकी है। चलो। ओके। हे, अरे चेन किसने खींची? पकड़ो। चलो। बॉम्बे एक्सप्रेस का टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं। बीच में किसी ने ट्रेन को रोक दिया है, इसीलिए लेट हो रही है। जा वेट करो। हाँ बोलो। सर वो लोग बॉम्बे एक्सप्रेस से आ रहे होंगे, विकाराबाद स्टेशन आ जाइए। ए, जल्दी से जीप निकाल, चल। कितनी खूबसूरत है ये। शादी के लिए जिस हसीना के सपने देखता था, उसे हकीकत में अपने सामने देख रहा हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया, किसी भी तरह इसे पटाना होगा। सुनो, क्या हुआ? एक आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कौन है वो? वो देखो, वो रहा। अरे बाप रे, तो ये इसका लवर है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। वो क्या? तुम जानते हो इसे? बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिस्टर इगो बहुत बड़ा राउडी है, उसके साथ क्यों झगड़ा कर रही है? छोड़ो ना। वो राउडी है तो मुझे उसे डरना चाहिए? तुम कुछ नहीं कर सकते तो बोल दो, मैं उससे खुद निपट लूंगी। अरे रुको, इससे एक बार पंगा लिया तो इसने मेरी उंगली काट ली, फिर से लिया तो पता नहीं क्या काटेगा। उससे तुम रिवेंज लेना चाहती हो ना? हाँ। तो फिर उसे लाइन मारने की बजाय तुम उस पे लाइन मारना शुरू कर दो। ए, लिमिट में रहो। हाँ, अब रनिंग ट्रेन से उतरना है तो रुकवानी पड़ेगी, और रुकवाने के लिए चैन खींचनी पड़ेगी। उसे खींचने पर मजबूर कर दो। कैसे? तभी तो वो फंसेगा और हम लोग बच जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? सुपर। तो फिर देर किस बात की, जाओ ना। ओके, जाओ। बच गया था। आज चाहे जो भी हो जाए, इसे
छोड़ेंगे सही नहीं। हाँ। हे, तुम लोग यहाँ कैसे? उस दिन शादी में भाग गए थे ना, तब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आज हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। दरअसल ट्रेन में अच्छा नहीं लगेगा। हैंडसम बॉय तो इधर मैं हूँ और उसे हैंडसम कह रही है क्रेजी गर्ल्स। चुप करो, फर्स्ट मैं जाऊंगी उसके बाद तुम। नेक्स्ट तो मैं ही जाऊंगी। एक फोन और इतने सारे सीम। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से पूछे बिना एक्स्ट्रा सीम यूज नहीं करता, लेकिन इसने तो पूरा टावर ही खरीद लिया है। अरे अरे, कैसा लगा? सुपर। रुको रुको, अरे अरे सुनो तो। ए रुक, अब मेरी बारी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कैसे चल गया? अरे कोई मेरी तरफ भी तो देखो। अरे सुनो, मेरे अंदर भी बहुत टैलेंट है। इस पर तो एक साथ दो दो चली गई। अरे क्या चल रहा है ये? कितने अच्छे से पहनाया यार, पहले कभी किसी ने नहीं पहनाया। सुपर यार। ओके बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ओके बाय बाय। अरे बाप रे, बच गया। क्या भाई, आप यहाँ? तुम्हारी वजह से मैं राउडिज्म छोड़कर गांधीज्म ज्वाइन किया हूँ। हाँ। शादी करने के लिए गांव जा रहा हूँ। सॉरी भाई, वो जो बैठी है तुम्हारी लवर है ना, गलती से उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की मेरी लवर नहीं है, फ्रेंड है। फ्रेंड है? हाँ। तो मैं कंटिन्यू रखूँ क्या भाई? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। भाई इस पर्सनालिटी से वो पटेगी क्या? अरे भाई ये तुम क्या कह रहे हो, इधर आओ। आज के जमाने में लड़कियां सॉफ्ट रहने से नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पटती हैं। इसमें कुछ गलत तो नहीं ना? कुछ भी गलत नहीं है, जाकर बात करो। ये हुई ना बात? यस। हाय, सामने वाली लड़की बड़ी मस्त है, मुझे ही देख रही है, मुझसे प्यार हो गया। सुनो भाई, वहां जाकर बैठ जाओगे प्लीज? मेरी सीट से तो मुझे ही उठा रहे हो। वैसे तुमने सीट खरीदी है या ट्रेन खरीद ली है? टिकट खरीद के बैठा हूँ। जरा दिखाना तो टिकट। देखो, एक मिनट इधर आओ। क्यों? आओ तो देखो। हाँ। इससे पहले भी तुमने मुझे मारा है। अब चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। मैं अपने भाई को बता दूंगा। ये गई टिकट। ज़्यादा बोलोगे तो ऐसे ही तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगा। हाय जी, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा नाम गोवर्धन रेड्डी। ओह, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? क्यों, लगता नहीं क्या? ये बात तो आपको पहले बतानी चाहिए थी। जानते हैं, बेवजह आपको गलत समझ बैठी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत पसंद करती हूँ। यस। हाँ, ये क्या किया? पैसे क्यों फेंक दिए? ट्रेन से जाते समय अगर पैसा फेंकते हैं तो आपके मन में जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। मेरे मन में भी इच्छा है। आपने तो अपना वॉलेट ही फेंक दिया। मैं भी आपके जैसा सेंटिमेंटल हूँ जी। ओह, आई लाइक इट। चेन खिंचवाओ, चेन खिंचवाओ, हमें जाना है। एनी हेल्प? चेन खींचेंगे क्या? आपके लिए चेन तो क्या, मैं ट्रेन को भी खींचूंगा। मैं समझ गया। हमें यहाँ से भागना होगा। अगले स्टेशन में आपके लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। You are so smart. Yes. अभी खींचता हूँ। चलो। मेरी डार्लिंग का बैग कहाँ है? डार्लिंग, डार्लिंग, यार चैन किसने खींची? सर इसने, सर इसने। भाई मैंने तुम्हें मारा था, उसे दिल पर मत लो। अरे समझा करो, इसे लड़की को पटाने के लिए चैन खींचा। अरे भाई, इसके लिए तुम्हें फाइन भरना होगा। एक मिनट सर। hey, इसने मेरा टिकट भी फेंक दिया सर। hey, क्या तुम्हें पता है कि मेरी लवर कहाँ गई? हाथ हटाओ। अरे बस हो गया यार। चुपचाप फाइन देते हो सर? मैं क्या कह रहा हूँ पहले उसे सुनिए तो। वॉलेट मैंने बाहर फेंक दिया, पैसे भी उसी में थे और कार्ड्स भी। ये कहानी रेलवे पुलिस को बताओ। मेरी बात सुनिए सर, मेरी लवर उस तरफ से जा रही है सर। अरे मेरी बात सुनिए सर, चली जाएगी सर। 20 साल तक छोड़िएगा मत इसे, मैं यहीं पर रहूंगा सर।
यहीं पर रहूंगा। सर मेरी लवर चली जाएगी सर, मुझे उससे शादी करनी है सर। आप लोग क्या हुआ? इसने चैन खींची, फाइन भी नहीं भर रहा है। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं ऐसे देखता हूँ। ठीक है सर। क्यों रे, चेन क्यों खींची? अब तुम्हें क्यों बताओ, काला चश्मा पहनकर हीरो की तरह पूछोगे तो बता दूंगा क्या? ए सर कौन है तुझे पता है? अरे तुम कौन हो? गुंडे हो? गुंडे हो? मैं ऐसा शेर हूँ जो अपने शिकार की हड्डियों तक को नहीं छोड़ता। मेरे गुस्से से तुम लोग जल जाओगे, मेरे आउटपुट का तुम्हें अंदाजा नहीं है। अम्मा पुलिस के सामने डायलॉग मार रहा है तू? अरे सर आप पुलिस वाले हो? सर गलती हो गई सर। डोंट चेंज, वो शेर कहाँ गया, वो आउटपुट अचानक कहाँ गया? छोड़िए ना, चमड़े की जुबान है, फिसल गई सर। तो ये बता ट्रेन की चेन क्यों खींची? वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खींची सर। तेरी भी गर्लफ्रेंड हो सकती है? अभी बनी है सर, ऊपर वाले ने मुझ पर रहम किया और उसे मेरी जिंदगी में लेकर आया, मुझे लवर के पास जाना है। रुक, यही वो लड़की है क्या? सर यही वो लड़की है मुझसे प्यार करने वाली। इसके साथ तो एक लड़का भी होना चाहिए। हाँ इसका फ्रेंड है सर। अबे वो दोनों फ्रेंड्स नहीं है, वो दोनों लवर्स हैं। तुझसे चेन खिंचवा के वो भागने में कामयाब हो गए हैं। अरे बाप रे, वो अप्सरा इतनी शातिर निकलेगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ए, इसे भी साथ ले चलो। सर मेरा लगेज तो गाड़ी में है सर। कोई बात नहीं, तू खुद एक लेके जा, तुझे लेके जा। चल 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 गाड़ी में, गाड़ी में बैठ। अरे चल चल सर, क्या बैठ? अरे सर तुम्हारे भाई के सर पर टोपी है लेकिन दिमाग नहीं है। ऐसा क्यों? प्यार का मतलब क्या है? तुम्हें देखना है, तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें प्रपोज करना है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तभी तो प्यार की बात बनेगी। एक्सीडेंटली मैं तुमसे दो बार मिला तो उसे वो प्यार समझकर मेरा एनकाउंटर कर देगा। अरे उसके बाप का राज है क्या? इतनी भोली शक्ल पर उसे तरस नहीं आता? एक बार तो मैं बाल बाल बच गया था। तुम हंस क्यों रही हो? सिंपल सी बात है, आज 4G चलता है, 2G जैसा स्लो रहोगे तो कैसे चलेगा? अपडेटेड रहना चाहिए। कहना क्या चाहती हो? उस दिन मॉल में उन्होंने गोली तुम पर नहीं चलाई थी, उस शोरूम के अंदर एक क्रिमिनल था। इसका मतलब तुम्हारा भाई मुझे नहीं मारना चाहता? ये बताकर तो तुमने कड़ी धूप में भी मुझे ठंडक पहुंचाई। अब तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, बाय। मुझे बीच रास्ते में छोड़कर जाओगे? बेल मिलने तक ही जेल में रहता है, उसके बाद आदमी आजाद होता है। तुम्हें सिर्फ बेल मिली है, केस क्लोज नहीं हुआ है। मैं समझा नहीं। अब मेरी बात सुनो, हम दोनों को उन्होंने साथ देखा है, तो मेरे भैया कंफर्म हमें लवर समझ रहे हैं। इस बार तुम उनके सामने गए तो वो गारंटी तुम्हें गोली मार देंगे। मैं कोई सिगरेट नहीं हूँ जो फूंक के धुएं में उड़ा देंगे, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ निकाली सेल्फी भैया के पास है। सेल्फी? मेरी जान नहीं, तुम्हारी जान खतरे में है। बाप रे। चलो। समझ गया। सर इस वक्त हम टाइगर जोन से गुजर रहे हैं। फाइन सर। सर अचानक टाइगर आ गया तो आप क्या करोगे सर? तो उसे तुझे खिला के हम लोग चले जाएंगे। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। सर 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 गाड़ी रोके ना सर। ए, क्या बकवास है? सर मुझे जोर से लगी है। ए, थोड़ा कंट्रोल कर। मैं नहीं रोक पाऊंगा सर, मुझे शुगर की बीमारी है सर। प्लीज सर गाड़ी रुकवाइए सर, नहीं तो बेकार में गाड़ी गंदी हो जाएगी सर। एक्स्ट्रा पैंट भी नहीं है सर। प्लीज सर सुनिए सर। ए, सर 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आप भगवान हो सर। क्या भाई, मैं क्या कोई फिल्मी हीरोइन हूँ जो तुम लोग पीछे आकर खड़े हो गए हो? अरे भाई ऐसे खड़े रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज यार जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी तो प्राइवेसी दो, चले जाओ। हे भगवान, अरे बाप रे, आखिर इन्होंने यकीन कर ही लिया। एक गोवर्धन रेड्डी, यहाँ से बच निकलने का यही सही समय है। बचपन में चोरी करके भागने का एक्सपीरियंस अभी काम आ रहा है गोवर्धन रेड्डी, भागते चला चल, रुकना नहीं। क्या कर रहा है बे? हल्का हो रहा था सर। और कितनी देर तक करता रहेगा? अब भागने की कोशिश कर रहा है बे। चल जी पे बैठ। शुगर पेशेंट को कोई बेवकूफ ही ऐसे मारता है? क्या बकवास कर रहा है? आपने सुन लिया सर? हाँ मैंने सुना। ये टाइगर जो ना यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, चल जी पे बैठ। टाइगर बोल रहा है, खुद ही टाइगर शेर खाएगा ना तब समझ में आएगा, होशियारी करता है ये। चल रे। छी क्या पनौती लग गई है, मैं खुशी खुशी रिकवरी करने का काम करता था लेकिन तुम्हारी वजह से कवरेज एरिया के बाहर चला गया हूँ। सच में सिग्नल गायब हो गया है,
जिसके घर में लड़की होती है वो घर की दीवार ऊंची बनवाते हैं ताकि जंपिंग ना हो सके। अब समझ में आया कि तुम अपने घर से क्यों भाग कर आई हो। तुम्हारी जिससे शादी फिक्स हुई है वो तुम्हें पसंद नहीं है, सही ना? सही कहा तुमने। हाँ चलो, अब हीरोइन से भी ज्यादा तेवर हैं इसके। तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं है, मैं इजीली क्रॉस कर सकती हूँ। ऑब्वियस है, कंपाउंड वॉल जंप कर सकती हो, तो ये नाला तो कुछ भी नहीं है। अरे कितना समय लगा रही हो, जल्दी आओ यार। ए? आ, 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 आ। जो लड़की ऐसा कहती है कि मैं कभी नहीं गिरूंगी कभी नहीं गिरूंगी, उसे किसी ना किसी के तो आगे गिरना ही पड़ता है। चलो कम कम। पानी बहुत ठंडा है, मुझे पानी में गिराया तुमने। सर जर्नी बहुत बोरिंग है सर, एफएम तो लगा दीजिए ना। अब सर आप घूरते क्यों रहते हो, मैंने तो एंटरटेनमेंट के लिए कहा था। ए, कब से तेरा फोन बज रहा है, तू उठा क्यों नहीं लेता उसे? किसका है? मेरी बहन है सर। तो बात करना उससे, वो पर्सनल बातें कर सकती है सर, अभी नहीं उठाऊंगा। बड़ी के एक जोर से उठा के बात कर स्पीकर पे। हाँ बोलो दीदी। अरे कहाँ हो भैया, यहाँ आने वाले थे ना? हाँ मैं आ ही रहा था दीदी, लेकिन रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए इसीलिए रुक गया। मैं किसे दोस्त? पापा! अरे रुको रुको रुको, मत मारो, रुको। ये आवाज कैसी आ रही है? शादी है ना, बैंड की आवाज है। बैंड मैटर क्या है ये तो बताओ। मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो प्रेग्नेंट है। कौन सा महीना है? ज्यादा नहीं, 6 महीने। इसका मतलब 3 महीने के बाद बिना मेहनत के मैं बाप बन जाऊंगा? हाँ क्या बात है दीदी, आपने 1+1 का क्या ऑफर दिया है? तो तुम क्या बोलते हो, हाँ कर दूँ? अरे तू क्या मुझे पागल समझती है? मेरे लिए डिवोर्स थी, प्रेग्नेंट औरत, इसके अलावा तुझे कोई और नहीं मिलती। क्या करूँ भैया, आपकी शक्ल एक बात बता दे, तूने अब तक किसी से शादी क्यों नहीं की? एक गर्लफ्रेंड संभाल रहा था सर, वो भी किसी के साथ भाग गई। सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई सर, इसीलिए मैंने सोचा कि अब शादी कर लूं। तेरी उम्र कितनी है? 30 है सर। अब वो 30+10 40 है सर। 40 मतलब 45 सर। इस उम्र में शादी करके तू कर भी क्या लेगा? अब सब लोग क्या करते हैं सर। तू तेरा बता, तू क्या करेगा? आप डायरेक्ट पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा? अबे बोलना। अरे सर मैं कुछ भी करूँ आपको क्यों बताऊँ? तू ज्यादा ही पर्सनल सवाल ये पूछ रहा है। अम्मा! अभी क्यों मारा सर? फिर से कुछ बोला ना। आपको महसूस हुआ या सुनाई दिया? दोनों महसूस हुए। तुझे लगता है तू मन में बोलता पर तू चिल्ला के बोलता है? ठीक है सर। कंट्रोल करना सीख। अच्छी बात है। अरे यार फॉरेस्ट में टूरिस्ट के जैसा सो रहे हैं ये लोग, इन लोगों के उठने से पहले मुझे भागना होगा। चीची, स्वच्छ भारत को तुम जैसे लोग ही गंदा कर रहे हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई जानवर भी नहीं। गोवर्धन रेड्डी यहां से भागने का सही मौका है, भाग लो। घर तो बहुत दूर है और अंधेरे में इस जंगल में डर भी लग रहा है। सांप नहीं दिखना चाहिए, भूत भी नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल भी जाए तो मैं उससे डरूंगा नहीं। जय पावर स्टार। लगता है वहां पर कोई है। साफ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहां 2 लोग तो हैं। लगता है जंगल में पिकनिक मना रहे हैं। मेरे को अच्छा कंपनी मिलेगा। ब्रदर जरा सुनिए, ब्रदर ये तो बेताल की तरह बार बार हमारे ही पीछे आ रहा है। चलो इस बेताल का ताल बिगाड़ते हैं। प्रिया, हमें मरे हुए 10 साल हो गए हैं ना। मरकर 10 साल हो गए, इसका मतलब ये टूरिस्ट नहीं भूत है। इस खुशी के मौके पर तुम्हें क्या चाहिए,
लिवर फ्राई, किडनी की खिचड़ी, इंसान का ब्लड चाहिए। अरे ये तो ऐसे ऑर्डर दे रही जैसे फाइव स्टार होटल में हो। अरे भागो, अरे बचाओ, 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 अरे बचाओ, बचाओ, अरे अरे बाप रे, मैं भी डर गया, तुम्हें भूत समझकर डर गया। यस, इसके बाद वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। यही है हमारी टारगेट, चलो रे। ओए 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 ओए, भूख के मारे मेरे पेट पे चूहे कूद रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? KFC चिकन चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए? आइसक्रीम मिलेगी? KFC चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। ए, इस जंगल में इसके भाई ने कंपनी खोल के रखी। क्या बात लगी है यार, कुछ तो करो। भूख के मारे कुछ नहीं समझ रहा मुझे, प्लीज कुछ करो, बहुत भूख लगी है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, एक मिनट सोचने दो, मैं कुछ करता हूँ। रुको, प्लीज प्लीज प्लीज, चलो पकड़ो इसे, जल्दी चढ़ो ना। पेड़ चढ़ना सीढ़ी चढ़ने जितना आसान नहीं है, जब चढ़ोगी तब पता चलेगा। हाँ जाओ जाओ, पहले चढ़ो। चढ़ रहा हूँ। मिल गया। कैच। तोड़ो तोड़ो वो ना, भी तोड़ो। ये कहाँ गई? काव्या, काव्या, जरा आवाज की बिना तूने इन सबको ढेर कैसे कर दिया? बताता हूँ। किधर जाना है? तांडूर जाना है। तांडूर क्यों जाना है? वहाँ मेरा बाप रहता है। ये बात है, आगे जगह नहीं है, पीछे जाकर बैठ जाओ। हाँ हाँ, जाओ बैठो। थैंक यू। हाँ ठीक है, जाकर बैठो। हाँ हाँ, चलो। चलो चलो निकलो, चलो। वो लोग मिले क्या? मिले सर, पर फिर से भाग निकले। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। तू कहाँ गया था बे? जॉगिंग कर रहा था सर, जॉगिंग। सच बोलना कब सीखेगा वे? अब फॉरेस्ट में सिंगल जर्नी करने से ग्रुप जर्नी करना अच्छा है, इसलिए मैं वापस आ गया सर। सही बोला, जरा इसको जॉगिंग करवाओ, फिर जीप में बिठा रहा। ए, ट्रक को रुकवाओ, रोको। ए, इसे कहीं देखा है? चलो चलो, इस लड़की को कहीं देखा है? चलो निकलो। ए, इसे कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। ए, सच बोल। बोला ना नहीं देखा। चल निकाल, चल भाई, लड़की उस गाड़ी में जा रही है। जल्दी ला, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ, और टेक चला। जल्दी जल्दी कर, जल्दी लग जाएगा भाई। रुक जाओ,
नहीं दिखाता हूँ। रुक जाओ, वो निकल जाएगी। चलो चलो उतर जाओ, जल्दी जल्दी तंदूर आ गया, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं देखकर ही समझ गया था तुम दोनों घर से भागे हो। दुनिया में किसी की हेल्प करो ना करो, लेकिन लवर्स की हेल्प जरूर करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम दोनों को लिफ्ट दिया। अब यहाँ से पैदल चलकर जाना होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। थैंक्स की जरूरत नहीं, बस भाई को फोन कर देना, ठीक है? चलो ठीक है, चलो। भाई चाय देना। थैंक्स। चल चुपचाप चल। पुष्पांजलि में मर्दों के लिए बम्पर ऑफर। मुझे बचाओ। चिल्लाए चले। भाई क्या भाई, ठीक तो ना भाई? आप ठीक तो है भाई? चोट नहीं लगी भाई? खड़े हो, आराम से, आराम से भाई। खत्म कर दो उसे। लड़की को छोड़ दे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है अभी इंटरवल होने वाला है। यही राइट टाइम है भागने के लिए। भागो। सब लोग कौन है? मालिक के लोग हैं। हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? मालिक के घर पे। कौन है वो बेवकूफ? भाई भाई, मैडम को पता नहीं है इसलिए ऐसा कह रही है। तुरा बाबू शुगर फैक्ट्री, तुरा बाबू राइस मिल, इस गांव में देख रही हूँ सब कुछ तुरा बाबू के नाम से ही है। इस गांव के लोग उन्हें भगवान मानते हैं इसीलिए। अच्छा, लेकिन वो हैं कौन? इस गांव के गॉडफादर हैं वो। Yeah.
हमारे गांव की जमीन को छीनने के सपने देख रहे हो। अगली बार अगर गलती से भी मेरी आंखों के सामने आए ना तो मार कर गांव के बाहर दफना दूंगा। मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। तुम्हारा काम है गलती करना, मेरा काम है उसे सही करना, समझे कि नहीं? समझ गया मालिक। धन्यवाद। मालिक इन्हें लेकर आ गए। बैठ जाओ। हेलो, हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? लंगड़ी घोड़ी खेलनी थी इसीलिए लेकर आए हैं। ये खेल छोटे को पसंद है इसीलिए लेकर आए हैं। छोटे? इसे देखकर तो किंग कॉन्ग की याद आती है, फिर ये छोटा कैसे हुआ? छोटे छोटे, अरे बेटा, ओए कैसा है रे तू? कितने दिन हो गए हैं तुझे देखकर। तेरा एक फोन करने का भी दिल नहीं किया क्या? तुझे घर की याद नहीं आती थी? अपनी माँ को भी भूल गया क्या? ऐसी बात नहीं है माँ, एक्चुअली क्या हुआ जानती हो? वो ये तुम्हारी माँ है? राहुल गांधी से पूछ रही हो? सोनिया गांधी उसकी माँ है, यही इसकी माँ है। इसका मतलब वो छोटे तुम हो? ये है छोटे बाबू और ये है बड़े बाबू। इसका मतलब वो इसी के बापू। फ्लो में निकल गया जीजा जी। जानते हो, अच्छा हुआ सही वक्त पर हमारे लोग पहुँच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। वैसे वो लोग थे कौन? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? एक्चुअली वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, इसमें आपके छोटे की कोई गलती नहीं है। पहले बताओ तुम कौन हो? फिल्म में आने वाली एड की तरह बीच बीच में कूद रही हो, तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है? सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ जीजू। ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी फ्रेंड है। अभी तो गर्लफ्रेंड को फ्रेंड कहने का ट्रेंड चल रहा है, सच सच बताओ। अरे तुम लोगों को इस बच्चे पर गुस्सा क्यों आता है? इसके घर आते ही सवालों की बारिश करोगे तो ये घर से फिर से नहीं भाग जाएगा? इसके दादाजी भी ऐसे ही थे, गुस्सा आया नहीं कि उठकर चले गए। जो चले जाते हैं वो लड़की को लेकर आते हैं क्या? ए तू अपनी बकवास बंद कर। सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ माँ जी। ये कितने दिनों बाद घर आया है, इससे थोड़ा तो प्यार से बात कर। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लक्ष्मी, आज के बाद ये लड़का इस घर से बाहर नहीं जाएगा, क्लियर? वो ऐसे ही कहते रहते हैं, तू चल फ्रेश हो जाओ बेटी। थैंक यू दादी। मैंने तो तुम्हें एक रुपए का कॉइन समझा था, लेकिन तुम तो गोल्ड कॉइन निकले। करोड़पति होने के बावजूद तुम वो रिकवरी का काम क्यों करते हो? तुमने बाप की बापता फिल्म देखी है? हाँ देखी है। मेरी कहानी उसके बिल्कुल अपोजिट है। साफ साफ बोलो ना। देखो हुआ ये था, मैं अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद न्यूयॉर्क में न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला था। लॉस एंजलिस में एंजल्स जैसी लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाला था। पब जाना, पार्टी में जाना, ये सब बहुत सोच कर रखा था, लेकिन मेरी इच्छाओं पर ऐसे ही डाल दिया। किसने? मेरे पापा ने। क्या ये फ्लैशबैक है? बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। वो दिन था जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हमें खेत में जाना है माजी। हाँ ठीक है ठीक है। पापा, मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? ये मुझसे नहीं होगा। नहीं पहनना चाहते हो? तो पहनने की जरूरत नहीं है। थैंक्स पापा। तुम ये धोती कुर्ता उतार दो और कुर्ता पजामा पहन लो। चले माली। मुझे उससे ज्यादा उम्मीद थी। तुम्हें उनसे क्या उम्मीद थी बाबू? तुम जाओ, कोई काम धंधा नहीं है क्या बीच में? पापा का गुस्सा मुझे दिखा रहे हो?
मैंने जो तुम्हें बताया। पापा, हाँ वो हो गया। मैंने इंजीनियरिंग ट्रैक्टर क्लीन करने के लिए नहीं की है, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। तो फिर तुम एक काम करो, उन भैंसों को चारा खिला दो। मुझे उससे ज्यादा उम्मीद थी। तुम्हें उनसे क्या उम्मीद थी? जब देखो बक 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 बक। जवान खून है ना, उबल जाता है। आया मालिक, आया। ये लो, खाओ, फोकट का मिल रहा है ना। अरे hey, it's me, गगन। क्या कर रहे हो यार? मेरे पापा ऑर्डर देते रहते हैं और मैं उसे पूरा करता हूँ। सुबह सुबह खेती करने जाना, शाम को राइस मिल में जाना, वही काम और टाइम बचता है तो इन भैंसों के साथ। ओ बदबू। What is this man? अपने सारे दोस्त यूएस और यूके में सेटल हो गए और तू यूजलेस वहीं पड़ा हुआ है। कैसे भी करके अपने डैडी को कन्विंस कर, यूके यूएस ना सही, कहीं शहर में तो चला जा। करेक्ट बोला। आ रहा हूँ भुक्कड़ो, आ रहा हूँ, लो ठूसो। अरे बाप रे, अरे 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 अरे, गाड़ी की टाकी में पेट्रोल डालते हैं वैसे तू पिए जा रहा है। फ्लाइट में जाऊंगा सोचा था, ट्रैक्टर में जा रहा हूँ, पब में नाचने का सोचा था, खेतों में नाच रहा हूँ, फाइव स्टार होटल में ड्रिंक करने का सोचा, अब स्टार को देख के ड्रिंक कर रहा हूँ। फॉरेन में जीना चाहता था लेकिन यहाँ फार्मर बन के जी रहा हूँ। इसकी वजह वो दुरा बाबू है। ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। अरे बाप रे बाप, ए दुरा बाबू मतलब तेरे पिताजी ना, अपने बाप को बुरा भला कह रहा है। तुझे चढ़ गई है क्या? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बताता हूँ, बुनियाद तो डाल दी लेकिन अभी घर बनाने नहीं दे रहा है। पौधा तो लगा दिया लेकिन बढ़ने नहीं दे रहा है। रावण ने सीता को हरण करके लंका में रखा था ना, वैसे मेरे पापा ने मुझे घर में रखा है। ऐसा फादर तो घर में ही क्या, चर्च में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या? तेरी तो ए नारद के सामने और मेरे सामने सीक्रेट कभी बताने का नहीं। मैं अभी जाकर तेरे बाप को सारी सच्चाई बता देता हूँ। बताना है तो बता दे जा। बेइज्जती। कितनी बार कहा है कि सब्जी जरा देख कर लाया कर, छे, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? अब ये क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बैग है। पर क्यों है? मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ। ये 11वीं बार तू बैग बाहर रख रहा है। बेल देने वाला जज होता है, डॉक्टर नहीं। और वो देखो हमारी फैमिली के जज आ रहे हैं। कुछ भी हो उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। लो वो आ गए, तुम तैयार हो ना? बैग अंदर रख दू क्या? क्यों बेटे, कल खेतों में दवा डलवाने के लिए कहा था, डलवा दिया। इसे भी थोड़े डोज की जरूरत है। क्या मतलब? इसी से पूछ लीजिए। ये बैग पैक क्यों किया, फिर हैदराबाद जाने का इरादा है? जी हाँ। बैग अंदर रखो। नो, मेरे साथ पढ़ने वाले सारे फॉरेन जाकर सेटल हो गए और मैं यहाँ मुर्गी फार्म डेयरी फार्म में जिंदगी बिता रहा हूँ। पक्षी को सोने के पिंजरे में रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे भी उड़ने की इच्छा होती है, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। ज्यादा उड़ेगा तो पंख कट जाएंगे। सेफ्टी के लिए बोल रहा था। तू मुंह बंद कर। बहुत दिनों से कह रहा है, एक बार जाने देना। नहीं, तुझे तेरे बाप की कसम भेजना ही होगा। शायद बात बन रही है। तुम्हारी मर्जी। इट्स क्लियर। हाँ क्लियर। हे थैंक्स दादी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इंजीनियरिंग किए हुए 4 साल हो गए, इस दौरान क्या किया? बहुत कुछ किया है सर, सुबह सुबह खेतों में दवा डालना, भैंसों को खाना खिलाना, ये सब नहीं। और बताता हूँ ना, ट्रैक्टर चलाना, राइस मिल में काम करना, हमारे गांव में सब काम मैं ही देखता था। सैप, जावा, C++, ऐसा कोई कोर्स किया क्या? वो क्या होता है सर? गेट आउट। पंडित बनने के लिए मंत्र पढ़ना जरूरी है, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ये कोर्स करना जरूरी है। वो सीखने तक मैंने नौकरी करने का सोचा, रिकवरी एजेंट का पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, इतने में तुम्हारा साथ मिल गया और मेरी लाइफ में यू टर्न आ गया। हे चलो चलते हैं। चलो। आपने बापी पे ध्यान दिया, वो बहुत टेंशन में लग रहा है। वो फिर से घर से भागेगा क्या? उसका कोई भरोसा नहीं है। उसे इस घर में बांधे रखने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, उसे रोकने के लिए लड़की चाहिए, तब घर तो क्या, वो गांव छोड़कर भी नहीं जाएगा। अरे ठीक से समझाओ ना। शादी करवा दी ना तो अपनी बीबी के पीछे पीछे घूमता रहेगा, तो वो घर से तो क्या बेडरूम से भी बाहर नहीं आएगा। सेफ्टी सेफ्टी। अरे वाह बेटा,
लगा था इसका दिमाग खाली है, लेकिन क्या आइडिया दिया है। आप तो आपने सर्टिफिकेट दे दिया। अरे तो देरी किस लिए, इसका तो बचपन से ही रिश्ता पक्का हुआ है। भद्रराज की बेटी से उसकी शादी करवा देते हैं, दोनों अपनी आँखों के सामने खेलते रहेंगे। बहुत सही रहेगा जी। हाँ जी जू, उस वरदराज को बुलाओ। उसे जैसे ही ये खबर मिलेगी वो ट्रेन से नहीं जीजू हवा में उड़ कर आएगा। गुड़िया, हाँ? किसी को भी किस्मत एक ही बार मौका देती है। हाँ? और हमें तो इन्होंने फोन करके बुलाया है। हाँ? अब अगर तू बाप्पी से शादी कर लेती है तो 1000 एकड़ की नारियल की खेती और 1000 एकड़ का आम का बाग सब हमारा हो जाएगा। हम बहुत आइए। सफर कैसा था आपका? सफर तो ठीक ही था, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर ठीक नहीं होता तो तुम लोग ही हमें देखने के लिए आते ना। हाँ ठीक है, अंदर चलिए। अरे जब यहाँ तक पहुँच गए तो अंदर नहीं जाएंगे क्या? ये स्वागत कर रहा है कि बकवास कर रहा है? ये दाढ़ी रखना और पागल जैसी बातें करना नहीं भूला। भाई साहब, भाई साहब, आपसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। नमस्ते, नमस्ते। क्यों वरदराज, अच्छे हो ना? मैं तो एकदम अच्छा हूँ। आपने जैसे ही मैरिज की बात की मैं सारा लगेज साथ लेके आ गया। अरे वाह भद्रराज, तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। ये लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि पता नहीं चलता। तू भी तो ताड़ के पेड़ की तरह इतना लंबा हो गया है, कुछ फायदा हुआ क्या? बड़े लोग हैं, पैर छुओ। खुश रहो बेटी। भाई साहब, मेरी बेटी ऐसी ही है, बड़े लोग दिखते हैं तो उन्हें प्रणाम करती है और लड़के दिखते हैं तो शर्मा जाती है। भाई साहब, दामाद जी कहाँ हैं? अंदर ही है, जाकर मिल लो, मैं बस थोड़ी देर में आया। ठीक है चलो। दामाद जी। ए भाई, दामाद जी के साथ तो मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो फिर ये किसके साथ घूम रहे हैं? कौन है ये? शहर से आई है वो, तुम्हारी बेटी से कंपटीशन कर रहे हैं। गुड़िया, इसे पटाना शुरू कर दे, अपने प्यार के जाल में फंसा ले इसे, कहीं मिस ना हो। दामाद जी। अंकल जी, आपको नाइस बॉडी। क्या कर रही हो? छोड़ो। दामाद जी, आपकी शादी हमारी बेटी के साथ फिक्स हो गई है। शादी? आप हाँ कहो या ना कहो, आपके पिताजी ने सब फिक्स कर दिया है। तो आज से दूसरी लड़की के साथ घूमना बंद और मेरी लड़की के साथ घूमना शुरू। इसलिए आज के बाद तुम्हें जो करना है वो इसके साथ करो। शादी से पहले सब कुछ हो जाएगा तो शादी के बाद क्या करेगी बोलो? ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलने वालों से मुझे एलर्जी है। अरे सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। सेफ्टी के लिए बोल रहे हो? मुझे सेफ्टी से भी एलर्जी है। तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे भलाई से भी एलर्जी है। दामाद जी। अरे दामाद जी, दामाद जी कब का चला गया? गुड़िया, दामाद जी मर्क्यूरी के जैसे हैं, तू उनके साथ गॉल की तरह पूरी तरह से चिपक जा। आज के जमाने में लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, इतने फास्ट होते हैं कि कहीं भी गुल खिला सकते हैं। ओ बापी। ए, क्या कर रही हो? शादी से पहले तुम्हें एक रोमांटिक टीजर दिखाने आई हूँ बापी। रोमांटिक टीजर? वो क्या? यस बापी। ए, छोड़ो, छोड़ो ना। 36, 24, 36 बापी। ये सब करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना, कम ऑन बापी। ए, छोड़ो ना। छोड़ो, छोड़ो। ओ, लगे रहो, लगे रहो। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, लगे रहो। अरे बुढ़िया, तेरी समझ में नहीं आता क्या? तुम भी ना, दोनों पागल हो गए। अरे जूस तो पी कर जाओ। ऐसा क्यों है दादी, बापी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं वो है। पूरा अपने दादा पर गया है, उसके दादाजी भी पिकअप नहीं ले पाते थे। यू डोंट वरी, चावी घुमाते रहो, जाओ जाओ जाओ। हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो इसी गांव में है। दामाजी, 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 दामाजी। क्या हो गया अंकल? सीता की तरह पावन और पवित्र जो है वो भी खो गई है दामाजी। खो गई? कहाँ खो गई? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन नहीं मिल रही जी? अरे मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही है। घर में हर जगह ढूंढा क्या? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली मुझे। मेरी गुड़िया जो है जादू की पुड़िया, जिसके पीछे है पूरी दुनिया। हॉस्पिटल के पास जैसे मेडिकल स्टोर होता है ना, वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहती थी। अब बताओ ना कहाँ गई वो? अब मुझे क्या पता, वो इतनी छोटी सी बच्ची है कि मुंह खोल के कुछ बोल भी नहीं सकती। सही कहा, अगर मुंह खोलेगी तो अनसेंसर डायलॉग ही निकलेगा। अरे छोटी, गांव में गुम गई होगी, उसे वापस ला। ठीक है माँ। अरे वाह, इधर देखो, तालाब में।
अरे बाबूजी देखने दीजिए हमें भी। यहाँ तो इसने एग्जीबिशन लगा रखा है। थैंक्स भाई। गुड़िया, ए ए गुड़िया, सब देख रहे हैं, बाहर निकलो। बाबू ठीक नहीं है। करने क्या कर रही है तुम? चलो यहाँ से। आइए आइए, अंदर आइए, आ जाइए। आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। आइए बैठिए, बैठिए। देखो बेटा, इस गांव में पुलिस की नहीं, दूरा बाबू का न्याय चलता है, और तुम्हें उसी घर की लड़की चाहिए। बहुत मुश्किल है, मेरी बात सुनो, वापस चले जाओ। सर, आपको जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, पर वो लड़की हमें चाहिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें बातों से समझा रहा हूँ, अगर किसी को पता चलेगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से चले जाओ तभी जिंदा रहोगे। चलो चलो निकलो। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ लेके आता हूँ। लो पियो बेटा। आपने ऐसा क्यों किया भाई? हम इस गांव में हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमें समझाने चला था। हेलो, ए सुनो सुनो, ओए, हेलो सुनो। तो हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते हो, आज स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे डल क्यों लग रहे हो? उसने क्या किया देखा ना? मैंने क्या, पूरे गांव ने देखा। तुम्हारी होने वाली वाइफ है ना वो? ऐसी बुरी बातें नहीं करते, उससे शादी हुई तो बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। वो तो एक टाइम बॉम्ब है, घर वाले उसके लिए टाइम देख रहे हैं लेकिन मैं उसमें बॉम्ब देख रहा हूँ। घर वालों को समझाया लेकिन समझते ही नहीं है। तो आगे क्या करना चाहते हो? सबसे पहले तो ये शादी रुकवानी है। इस मामले में तो मैंने PhD कर रखी है, ऐसे क्रेजी प्रॉब्लम्स को तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसा क्या, कोई आइडिया है तो बताओ ना। आइडिया ना? हाँ। वेट, ओके। आइडिया? आ गया क्या? आइडिया, उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, ऐसा कह दो। अरे वाह, घर के लिए रूफ जितना जरूरी होता है ना, उतना ही ऐसी बातों के लिए प्रूफ जरूरी होता है। जाने दो, तो फिर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, ऐसा कह दो, फिर तो ऑटोमेटिक की शादी रुक जाएगी। ब्रिलियंट आइडिया, थैंक यू। लेकिन मुझे इमीडिएटली ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी? मिल गई। कौन है वो? तुम हो। मैंने अब तक तुम्हारे लिए इतना रिस्क उठाया, तुम एक दिन मेरे लिए लवर की एक्टिंग नहीं कर सकती? सिर्फ एक्टिंग ना? हाँ हाँ एक्टिंग, श्योर। हाँ जस्ट एक्टिंग प्लीज, काव्या नाम बोलो। एक्टिंग करनी है तो ठीक है, ओके। हाँ ओके ओके। क्या दादी, इतना अरेंजमेंट किसके लिए? अरे अरेंजमेंट नहीं, तेरा और गुड़िया का एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है? हाँ। बापी, मेरे साथ एक मिनट बाहर चलोगे? हाँ ओके ओके ओके। प्लीज पापी, एक मिनट का मैं अभी आता हूँ। बापी अभी आता हूँ। भागो मत बापी, एक मिनट लगेगा बापी। जस्ट वन सेकंड। क्या हुआ? ये यहाँ खेल रही है। काव्या, 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 एक मिनट इधर आओ। क्या हुआ? एक मिनट जरा आओ ना, एक्टिंग बोला था ना, एक्टिंग। देखो जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना, ओके? ओके ओके। वो आ रही है, अभी उसे दिखाएंगे। वो देख रही है क्या? वो देख रही है। ये क्या कर रहे हो? बोला था ना एक्टिंग करेंगे, भूल गई क्या? ओके ओके। वो चली गई क्या? कहीं नहीं, वहीं रुकी है। I love you, काव्या। I really love you. पापा, ये... अरे बाप रे! खुलेआम प्यार ये कर रहे हैं, इकरार ये कैसा है हम पे वार?
गुड़िया दामाद जी हमारे लायक नहीं है, चल चल निकल यहाँ से। पापा नहीं होगी ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। वो चली गई क्या? चली गई यस 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 यस। भाई साहब जब आपने फोन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं फौरन चला आया। इन दोनों की शादी हो जाएगी ये सोच के मैं यहाँ आया था, लेकिन मेरी सोच की धज्जियाँ उड़ गई हैं। आपका बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है भाई साहब। देखो भाई साहब हमारे सपनों को तोड़ने के बाद कैसे मासूमों की तरह खड़ा हुआ है। भाई साहब हमारे शहर में मेरी बेटी को छोड़कर जब ये किसी दूसरी लड़की के साथ नाचा था ना, मैं तभी समझ गया था, लेकिन हकीकत का पता मुझे यहाँ आने के बाद चली गया कि ये दोनों लवर्स हैं। क्या रे छोटे, ये बात तूने पहले बता दी होती तो इस बेवकूफ को यहाँ बुलाते ही नहीं ना। मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ? आपने इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दी कि अब मेरा इस घर में रुकना दुश्वार हो जाएगा, मैं नहीं रुक सकता। चलो मेरी लगेज, चल रही गुड़िया, हम इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। भाई साहब जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। आज के जमाने के लड़कों का इस तरह से रोमांस करना बहुत ही आम बात हो गई है, पर भाई साहब आपका लड़का रोमांस करते करते बहुत दूर तक जा चुका है। अगर आपने इसकी शादी जल्दी नहीं करवाई ना तो शादी से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। आप इसकी जल्दी शादी करवा दीजिए। गॉड ब्लेस यू भाई साहब। पापा मुझे बापी चाहिए। मुझे भी ताजमहल को खरीदना है और चांद पर गोल्फ खेलना है, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे ही तुझे ये बप्पी भी नहीं मिल सकता है बेटा। बस बस ये क्या, अपने बेटे पे गुस्सा करके क्या फायदा? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? इसने जो किया है उससे खुश हो जाऊं? अरे आजकल लड़का लड़की का प्यार करना गलत नहीं है बेटा। पर मुझे नहीं बताया वो गलत है। उसने डर के मारे नहीं बताया होगा, लेकिन ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई। उस मॉडर्न गुड़िया से तो ये लड़की 100 गुना अच्छी है। मुझे तो ये महालक्ष्मी का रूप लगती है। हाँ। सुन सुन वो यहीं आ रही है, उसके परिवार के बारे में पूछ। आओ बेटिया बैठो। तुम रुको बहू, मैं पहले स्वीट खिलाऊंगी, ये लो। शर्माओ मत बेटी, आराम से खाओ। अंकल आपको जब से देखा है मन में एक बात दबा कर रखी थी, बोल दूं? आप ना छोटे के पापा नहीं लगते, बड़े भाई लगते हैं। अच्छा हुआ तुमने छोटा भाई नहीं कहा, सॉरी जीजू। तुम्हारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? मम्मी डैडी बचपन में ही गुजर गए, मुझे बड़े प्यार से मेरे भैया भाभी नहीं पाला है। तुम हमारे घर में आई हो, तुम्हारे भैया जानते हैं? वो जानते हैं, वो जानते हैं। वो पहले नहीं जानते थे लेकिन अब जानते हैं। तुम्हारे भैया काम क्या करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में एसीपी हैं। पुलिस? आज तक पुलिस वाले इस गांव में नहीं आए, अब वो सीधे हमारे घर में आएंगे क्या? काव्या काव्या। हाँ, उसे पसंद आएगा। आओ बैठो बेटी। क्या हुआ आंटी? ये कंगन हमारे परिवार की पुश्तैनी निशानी है, इसे तुम रखो। अच्छा लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? हमारे घर की बहू को ऐसे जेवर देना हमारी परंपरा है। मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ। रख लो बेटी, हमारे घर की दुल्हन बन रही हो इसलिए तोहफा। ले लो बेटी। इसे अपना छोटे बहुत पसंद आ गया है, दोनों की शादी जल्दी करवा देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, शादी होते ही हमारी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कंगन देकर शादी की बात कर रहे हैं, हमारे बारे में उन्होंने गलत सोच लिया, अपनी लाइफ में वापस नहीं आऊंगी। ये सब उस बेवकूफ की वजह से हुआ है, उसने मुझे चीट किया है। कैसे भी करके इस गांव से निकल जाऊं। मैं निकला हो गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अब ये बस भी नहीं आ रही। इसे क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अरे, ये क्या बेटी, मॉर्निंग वॉक कर रही हो? जो कर रहे हो। ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो?
तुम्हारे छोटे ने मुझे लवर की एक्टिंग करने को कहा और उसकी जान बचाने के लिए मैंने एक्टिंग भी कर ली। अब उसके घर वाले मुझे बहू बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग रही हूँ। रुको 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 रुको, तुम अचानक यहाँ से चली जाओगी तो बापी अपने बाप के सामने फंस जाएगा ना। यहाँ रहूंगी तो मैं फंस जाऊंगी, समझे? मतलब तुम चली जाओगी? अरे कहाँ जा रही हो? सुनो मेरी बात, सुनो, गाड़ी वाला गाड़ी मत रोकना, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। अरे सुनो मेरी बात, सुनो, रुक जाओ। अरे रुको रुको मेरी बात सुनो, रुको मेरी बात सुनो, सुनो बेटी, अरे सुन लो, अरे सुनो मेरी बात सुनो। अभी तेरी पतंग गुल करता हूं। ए, ये पकड़। अंकल जी, हेलो। अरे बापी, तेरी पतंग तो गुल हो गई। क्या हो गया? वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें किसने बताया? उस लड़की ने ही बताया, वो गांव छोड़कर भाग रही है। जब वो यहाँ से चली जाएगी तो तेरे बाप को पता चलेगा, फिर तू फंस जाएगा, तो तुझे गुड़िया से शादी करनी पड़ेगी। अगर तुझे बचना है तो जल्दी से उसे रोक ले। तू हमें धोखा देने चला था, अब तेरे बाप को पता चलेगा और तेरी बैंड बजेगी। काव्या, काव्या एक मिनट रुको, जल्दी चलो। काव्या प्लीज, काव्या मेरी बात तो सुनो ना। काव्या प्लीज, काव्या तुम पीछे क्या देख रही हो? अरे जरूरी बात है, एक मिनट दे दो काव्या प्लीज। काव्या रुको तो, काव्या मैं तुम्हें नहीं फंसाने वाला, मुझे दो मिनट दे दो प्लीज। चलो जल्दी, एक टेम्पो रुक। अरे उसे ओवरटेक करो और निकलो यहाँ से। तुम भी ना, चलो। क्या हुआ काव्या, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? देखो बात क्लियर है, मेरे घर वाले शादी करवाना चाहते थे इसीलिए मैं वहाँ से भागी। यहाँ पर भी वही कहानी। प्लीज काव्या, मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा, हेल्प कर दो। मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक्स, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। जस्ट प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज प्लीज काव्या, समझने की कोशिश करो, अपने प्रॉब्लम के लिए मुझे यूज मत करो। मेरी बात सुनो ना प्लीज काव्या। सुनो जल्दी, ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए रह जाओ। काव्या काव्या सुनो, काव्या काव्या भगवान करे इसका टायर पंक्चर हो जाए, पापा को कैसे संभालू। बहुत बढ़िया, लगता है सच में पंक्चर हो गया। रुक, कहाँ जा रही है? भाग रही है, रुक जाओ, मार डालूंगा तुझे। रुक जाओ। बात सुनो, एक मिनट, बस एक मिनट। चल चल इधर आ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आ बहुत भाग लिया तुमने, छोड़ो। हे, तूने पहली बार इस पर हाथ उठाया था तभी मैं समझ गया था कि तू पुलिस वाला नहीं है। बोल कौन है तू? बताता हूँ। यहाँ क्यों आया? बोल, बताता हूँ, बोलना, बताता हूँ, बताता हूँ, बोलेगा। काव्या, अभी इस सिचुएशन में तुम्हारा जाना सही नहीं है।
फिलहाल तो मेरे घर चलो, तुम्हें सेफली मैं घर पहुंचा के आऊंगा। चलो। पैसे दो, नहीं सुने तो उन्हें वार्निंग दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में ये इलेक्शन जीतना है। लड़की हाथ से निकल गई। ऐसे कैसे निकल गई? उसका एक बॉयफ्रेंड है भाई, दिखने में तो सीधा लगता है लेकिन
बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने लड़की लाने के लिए कहा और तू किसी और की पढ़ाई कर रहा है। मैं अगर पहले जैसा गुंडा ही होता तो मेरे भाई को मारने वाले उस एसीपी को मैं कब का खत्म कर चुका होता। मैं एमएलए बनने के लिए इस बार इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम कहीं भी उछले, तो मैंने तुम्हें भेजा। मैं उसकी बहन को पकड़कर उस एसीपी को मारना चाहता हूँ। वो लड़की मुझे चाहिए, वो लड़की मुझे चाहिए। काव्या, आखिर है कहाँ तू? दो दिन में आने वाली थी और आज कितने दिन हो गए? शादी करने का फैसला कर लिया है मैंने। ये क्या कह रही है? शादी के नाम से तो तू भागती थी और तू कह रही कि तुझे शादी करनी है। ए सुन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मुझे खुश रखा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे हंसाता है, अगर जरूरत पड़े तो जान भी दे सकता है। आखिर है कौन वो? अरे और कौन, वही लड़का जिसने तुझे भगाया था, वही है ना? हाँ वही। आज के जमाने में लड़के फेसबुक पे लड़कियों को ढूंढते रहते हैं। ज्यादा लेट मत कर, जल्दी प्रपोज कर, ठीक है ना? मैं कल ही उसे प्रपोज करूंगी। बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। ओके। लक्ष्मी, लक्ष्मी। पापा। आपसे कुछ बात करनी है। तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं पंचायत में जा रहा हूँ, लौट कर बात करता हूँ। नहीं पापा, अभी बात करनी है। मैंने आपसे झूठ कहा पापा। मैं काव्या से कोई प्यार व्यार नहीं करता, उस गुड़िया से शादी करना पसंद नहीं था, इसलिए ये सब ड्रामा किया। मुझे माफ कर दो पापा। भैया प्लीज, भैया इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ बेटा, मैंने पहले इस लड़के को गलत समझा था, इसने ही मुझे फोन पर सब कुछ बताया। तुम्हें ले जाने के लिए मुझे बापी ने ही यहाँ बुलाया, इसलिए मैं यहाँ पहुँच पाया। काव्या, तुम्हारे भाई को मैंने सब बता दिया है, अब से ये तुम्हारी मंजूरी के बगैर कोई भी रिश्ता नहीं लाएंगे। तुम खुश नहीं हो? गाँव के लोगों को जब आपकी तारीफ करते हुए सुना तो मुझे लगा कि वो लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन आपको और आपके बेटे को देखने के बाद पता चला कि वो लोग बहुत कम बोलते हैं। मेरी बहन को अपनी बेटी के जैसा संभालने के लिए आपका शुक्रिया। चलो चलते हैं। भैया जरा 2 मिनट देंगे? ओके काव्या, मैं कार के पास वेट कर रहा हूं, तुम बात करके आ जाओ। बेटी काव्या, मुझे आज तक मम्मी डैडी कैसे होते हैं ये पता नहीं था, लेकिन अगर होते तो आप लोगों जैसे ही होते। मैं चलती हूँ माँ। जब भी मौका मिले हमसे मिलने जरूर आना। चलती हूँ दादी। तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वहां तुम्हारा भाई वेट कर रहा है, चलो। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया पापी, जब हैदराबाद आओगे तो घर पर जरूर आना, ठीक है? मैं चलता हूँ। चलो। टेक केयर पापी, बाय। छोटे, ए, चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है पापा। जानता हूं वजह तुम्हारी भूख नहीं है, वजह वो लड़की है। वो लड़की इस घर से तो जरूर चली गई है, लेकिन तुम्हारे दिल से अभी तक नहीं गए। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस दिल में रखकर बड़ा किया है, तुम्हारे दिल में क्या है ये समझ लेता हूं। पापा, वो यहां थी तब समझ नहीं आया, उसके जाने के बाद एहसास हुआ। इसी को तो प्यार कहते हैं, जब तक वो प्यार दूर ना हो उसका एहसास नहीं होता। जाओ, जाकर उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दो। मैं कैसे बताऊं पापा, उसे शादी करना ही पसंद नहीं है, इसी वजह से तो वो घर से भाग कर आई थी। ऐसी लड़की को प्यार के बारे में कैसे बताऊं? बेटा, उसे अगर प्यार नहीं होता तो मेरे दिए हुए पुश्तैनी कंगन वो क्यों पहनती? बोलो, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे प्यार के बारे में उसे और उसके प्यार के बारे में तुम्हें नहीं पता। एक बार उसे अपने दिल की बात कह दे, वो जरूर हाँ कहेगी। अरे मेरे शेर, इतना मत सोच तू, उस लड़की को लेकर तो आ, शादी की सारी तैयारियां हो जाएगी। ऐसा शर्माता है, देख तो बिल्कुल दादा पर गया है। अरे वो फिल्म बड़ी अच्छी थी यार। हाँ यार, हीरोइन ने बहुत ही मस्त काम किया था उसमें। इधर देख। हाँ, नमस्कार भाई साहब। मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे तब ये गए थे और मोदी जी के पीएम बनने पे वापस आए। इतने दिनों से नहीं देखा तो सोचा एसीपी ने एनकाउंटर कर दिया होगा। वापस क्यों आए? शादी करना चाहता हूँ यार। क्या बात, क्या शादी? कांग्रेट्स यार। वैसे लड़की कौन है? एसीपी की बहन से। एसीपी की बहन? क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो गए? पहले फ्रेंडशिप तक नहीं थी, अब लवर का रिलेशन कैसे हो गया? अगर तूने एसीपी की बहन से शादी की ना, तो तेरा आधार कार्ड, तेरा राशन कार्ड, तेरा वोटर कार्ड सब कुछ जला के तेरी जिंदगी का एंड करके डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देगा तुझे। देख यार, किसी टीचर की या किसी डॉक्टर की बेटी से शादी कर ले, उसमें रिस्क नहीं होता है। अरे इश्क किया है तो रिस्क तो होगा ही। रिस्क तुझे नहीं यार, हम लोगों को है। असल में वो एसीपी हर बुलेट पर मरने वाले का नाम लिख देता है। और क्या,
तेरे साथ हमारा भी नाम लिख देगा, हमें माफ कर। हे, बच्चों के लिए कॉम्प्लेन ताकत होती है, लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड ताकत होती है, लेकिन फ्रेंड के लिए फ्रेंड ताकत होती है। सही बोल रहा है यार। आजा, आजा। तूने फ्रेंड के हर्ट पे मारा यार। एसीपी की बहनों, चैट एसीपी की बहनों, फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हो? चलो चलते, चलो। ये पुलिस वाले और इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ भाई, ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। उधर देख, पुलिस के कुत्ते भी हैं। ए बंधु, ऐसी हालत में हम अंदर नहीं जा सकते। इस वक्त मेन गेट से ज्यादा पीछे का गेट अच्छा रहेगा। तो चला दिया तूने अपना खुराफाती दिमाग, कामयाबी तेरे कदम चले। चल काव्या, सच बता, तू बापी की बात भूल नहीं पा रही है ना? मगर वो तुम्हें कब का भूल चुका है? नहीं तो वो एटलीस्ट तुम्हें एक बार कॉल तो करता ना। तू शादी के लिए तैयार हो जा। काव्या, अब जाकर मैं याद आई हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरे भैया ये शादी कराए बिना नहीं मानेंगे। मानने तक मैं नहीं छोड़ूंगा। सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और भैया, सुनिए सर, मैं यहाँ यही बात बताने के लिए आया। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरी बहन से तू प्यार का इजहार कर रहा है? नहीं सर, मेरी बात सर सुनिए तो सही। मुझे तुम पर पहले से ही डाउट था, उसी दिन तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने कहा कि मेरी बहन के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन आज मैं तुम्हारा इनकाउंटर करके ही रहूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भैया, भैया, प्लीज भैया, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। आप जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन इसे छोड़ दीजिए, प्लीज, प्लीज भैया, प्लीज। अगली बार फिर तुमने अगर प्यार का बकवास किया या इस घर के आसपास कहीं भी नजर आया तो मैं तेरा एनकाउंटर करके ही रहूंगा। बोला था ना तुझे, चल चल निकल यहाँ से, छोड़ दे, कोई यहाँ दिखना नहीं, नहीं तो। ओ भाई, सिंसियरली प्यार करने पर कोई भी भाई नहीं मानेगा, इसीलिए तो आजकल लोग अपना समाज छोड़कर आर्य समाज पर भरोसा करते हैं। और जिनके पास फ्रेंड्स होते हैं वो एग्जाम में फेल हो सकते हैं पर लव में कभी नहीं। बकवास बनकर सॉल्यूशन बता। सिंपल, लड़की को उठा लेते हैं। एसीपी के पास हमारी पूरी जन्म कुंडली है, बिना अपनी गन लोड किए वो शायद वॉशरूम भी नहीं जाता होगा, इसीलिए इस डील को कोई और डील करेगा। कौन है वो? के किडनैप क्रेश, बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालता है, कार बिना स्टीयरिंग के चलाता है, पेड़ पे चढ़े बिना फल को तोड़ता है, मुर्गी को बिना पता चले अंडा किडनैप कर लेता है। ये डील उसे दे दी तो सक्सेस कंफर्म। ऐसा क्या, कहाँ रहता है वो? पता नहीं है, घर दिखा सकता हूँ। ये तो हेलमेट में जला हुआ ऑमलेट लग रहा है, तुझे इस पे भरोसा है? पूरा भरोसा है, ये किडनैप क्रेश। अरे टूथब्रश के जैसा है, ये क्या खा किडनैप करेगा? ये तो टिश्यू पेपर की तरह लगता है, अपना इशू क्या संभालेगा ये? डेफिनेटली संभालेगा। हाय क्रेश, हाय, लुक, थैंक यू। ये कौन है? किसी फिल्म का हीरो लग रहा है। ये लवली स्टार है क्रिश। ओके, किसे किडनैप करना है, समंता, अनुष्का या इलियाना? सिस्टर ऑफ एसीपी। आज है उसकी शादी। उसे नहीं उठाया तो इसके प्यार की होगी बर्बादी। विस्की पीने से तुम्हें किक मिलती है और रिस्क लेने से मुझे किक मिलती है। मैडम का फोटो व्हाट्सएप करो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, लड़की ऑन टाइम तुम्हारे पास होगी। सर, आपका प्लान क्या है बताइए। मेट्रो रेल बना रहा हूँ, जो प्लान बताऊँ स्पॉट पे प्लान बनाता हूँ, लड़की तुम्हें मिल जाएगी, उसके बाद सुपर क्रेश, आई लव यू। आधे घंटे में आपका पेमेंट ऑनलाइन पहुंचा दूंगा। तू घबरा मत भाई, तेरा केस क्रेश के हाथ में है, वो लड़की का मैटर हैंडल कर लेगा, तू टेंशन मत ले। चल भाई, वो एसीपी अपनी बहन की शादी करवा रहा है, शादी करवा के अमेरिका भेज देगा, उसे वापस लाने के लिए हमारे पास वीजा पासपोर्ट भी नहीं है। ये तो क्या बोल रहा है, उस लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, उस लड़की को मंडप से ही उठा लो। जाओ। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। ए रुक जाओ रे, तुम्हारे पास पास है क्या अंदर जाने का?
बैंड बजाने वालों के पास पास कहाँ से होगा साहब? अच्छा ठीक है जाओ। ए तू रुक जा, मैंने तुझे पहले भी कहीं देखा। स्काई में मून, हाथ में फोन, वैसे मैं भी नजर आई जाता हूँ। पता नहीं क्यों तू मुझे बैंड वाला नहीं लगता है, सच बता। Exactly. Before I was a music director, कनु मलिक ने मेरा म्यूजिक चुराया, फिर मैं ये बैंड बजाने वाला बन गया। ठीक है तो बैंड की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, देखना सब लोग तुम्हारी तारीफ ही करें। कन्फर्म तारीफ करेंगे, बजाने तो दीजिए। कौन है बेतू, तेरा बैच हमसे मैच नहीं कर रहा। अरे मैं तुम लोगों की गैंग में नया शामिल हुआ हूँ। ऐसा क्या? दुल्हन को पौने घंटे के अंदर किडनैप करके चलना है। तुम लोग किडनैप करने आए हो? तुम क्यों आए हो? मैं भी इसीलिए आया हूँ। By the way, I am kidnap Krish. Nice to meet you. ठीक है, दुल्हन कहाँ है जाकर ढूंढो। तुम लोग इस तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। ठीक है चलो। चलो। आजकल किडनैप की बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया है, पहले इन सबको यहाँ से हटाना होगा। वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। तुम लोगों को भी देखना है क्या? मुझे देख मुझे देख। बारी बारी से चलो। अरे क्या मैं हूँ? क्या कर रहा हूँ? मुझे देख पहले। देखने मत देखने पहले मुझे देखने। ये हट रे। सर ये एसीपी का ही घर है ना? हाँ क्यों? सिक्योरिटी के लिए एक भी पुलिस वाले नहीं है। पुलिस वाले हम सब हैं, बात क्या है? उधर बैंड बजाने वाले कितना बैड बिहेव कर रहे हैं, लड़कियों को खिड़की से झांक रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। ए, चलो रे, चलो। जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जाओ। ए जुस वाले इधर आओ। तू जाओ। मुझे आप में से दुल्हन कौन है? मैं हूँ, आप कौन? I am KK, kidnap Krish. आपको लेने के लिए बापी ने भेजा है। तुम्हें क्यों भेजा? तो क्या तुम्हें सचमुच का क्रिश चाहिए था? ए, चलो 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 जल्दी चलो। एक मिनट, किडनैप करने से पहले क्लोरोफॉर्म सुंघा देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। ऐसा क्या? चलो चलो चलो। ए, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे पकड़ पकड़ दे। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। कब आएगा यार, अब तक क्यों नहीं आया ये? मुझे तो लगता है एसीपी ने उसे मार दिया। मतलब वो गया होगा, हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए यार। फिर भी नहीं आया तो 2 मिनट का मौन कर लेंगे। हाय बाबी, ये लो अपनी डिलीवरी। वादा ऑनलाइन किया था, ऑफलाइन कैसे होता? तुम लेट हो गए तो हमने सोचा इसी पे तुम्हें मार दिया। आने में हो सकता है कभी लेट हो जाऊं, लेकिन आता जरूर। अरे सर क्या बात है, थैंक यू। हां अब हाइट से शॉर्ट हो लेकिन दिमाग से शार्प हो। थैंक यू सर। सुनो सुनो, मेरा मैंने ऑनलाइन कर दिया है, अभी सर्वर डाउन है, दिखेगा दिखेगा, आप चेक करना। हां आप लोग चलो 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 चलो, एकदम चेक करते रहना। ओके अरे रुको, क्या कर रहे हो? अरे रुको, अरे अजय माल्या की छठी औलाद हो, मुझे धोखा दे रहे हो। फाइव लैक्स ओके ना? स्टाफ और ऑफिस को मेंटेन करना है ना, डील ओके। मेरी बहन कहाँ है? बैंड वाले की ड्रेस में तू ही आए थे ना वहाँ शादी में। कैसे पुलिस वाले हो, उस समय अपना काम कर नहीं पाया, पहचानने से क्या फायदा? बता दे कि मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुझे मार दूंगा। इसको उसको और इसको भी सबको उल्लू बना चुका हूँ, तुम मारोगे और मैं देखता रहूंगा क्या? बता मेरी बहन कहाँ है? सर आपकी बहन को बापी अपने गाँव लेकर गया है। चलो उसके पास। कैसे हो भाई? ठीक ही हूँ। जब वो लोग मुझे मार रहे थे उस टाइम पे तुम लोग क्यों नहीं आए? हम करेक्ट टाइम पे है भाई, आपका ही टाइम खराब है। ओह तुम लोगों का टाइम सही है, मेरा टाइम खराब है। अभी बताता हूँ किसका टाइम सही है। मेरा
सर दुख रहा है। यहाँ क्रिश कौन है? यही है भाई। है? वो लड़की कहाँ है रे? कमल हासन की बेटी श्रुति हासन या फिर रजनीकांत की बेटी सौंदर्या? उसकी बहन रे। सलमान खान की बहन या फिर आमिर खान की? ओए, जिसे तूने किडनैप करके लाया था, वो एसीपी की बहन। ओहो, वो लड़की। डील खत्म होती मैं डेटा भी डिलीट कर देता हूँ। अब तो बता दे वो लड़की कहाँ है? उस लड़की की डिलीवरी उसके लवर को दे दी, वो उसे लेकर अपने गाँव गया। ऐसा क्या? चलो रे। तुम लोगों का टाइम सही है, मेरा टाइम खराब है, यही ना? यस बॉस। यस बॉस। तुम लोग कैसे काम के नहीं हो? हाँ आइए 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 आइए, चलिए बैठिए बैठिए। आप बहुत अच्छा इंतजाम किया। दूल्हा बाबू के लड़के की शादी जो है, चलिए बैठिए आइए। नजर ना लगे मेरी दुल्हन को। दादी, तूने वादा पूरा किया, पूरे अपने दादा पर गया। उस गुड़िया से शादी करने वाला था, अब इस खूबसूरत परी से शादी कर रहा है। जल्दी चलो, मुहूर्त निकल जाएगा, इसे जल्दी से तैयार करके ले आओ। हाँ पंडित जी, दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। चलो। जाओ उठा ले उसे। कौन है रे तू? मेरे ही गांव में आकर मेरी होने वाली बहू को ले जाने की कोशिश कर रहा है? आप इशारा करो मालिक, गांव के देवी माँ के मंदिर में कसम से बलि चढ़ा देंगे। रुक जाइए, तुमने देख लिया? मैंने मुंह फेर लिया तो ये गांव वाले तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। गांव में आने से पहले ही मैं जान गया था कि तेरी ताकत क्या है और तुझमें कितनी हिम्मत है, इसीलिए मैं पूरे प्लानिंग के साथ आया हूँ। मैं तेरी कमजोरी अच्छी तरह जानता हूँ, अब तू ये बता, तुझे वो लड़की चाहिए या गांव वालों की जिंदगी? तू पूरे गांव के लोगों को मारने की बात कर रहा है? इस गांव के सिर्फ एक आदमी को मारकर दिखा दो। एक को? कौन है वो आदमी? छोटे। यह तो कोई मासूम सा बच्चा लगता है, तुम चाहते हो ये मुझसे लड़े? ये बच्चा मेरा बेटा है। छोटे, दिखा दे से कि हमारे गांव की मिट्टी में कितनी ताकत है।
ले जाओ इसे। मेरी बहन के खातिर जो अपनी जान को खतरे में डाल सकता है वो उससे कितना प्यार करता होगा। तुम काव्या के लिए बिल्कुल सही लड़के हो। हाँ पंडित जी, आइए आइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। सब रुक जाओ। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। ये क्या बात हुई भाई साहब, हमारा रिश्ता थोड़ी टूट गया है। अगर आप मुझे न्योता देते तो मैं शादी में इनके लिए बहुत महंगी गिफ्ट लेकर आता, पर आप तो भूल ही गए। हमारा खर्चा तो बच गया ना। अरे राजा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी शादी अटेंड कर रहा है? वरदराज, तू इन्हें जानता है? जानता नहीं भाई साहब, ये मेरे रिश्तेदार है। मतलब बापी हमारे ही परिवार का बच्चा है? सिर्फ हमारे परिवार का नहीं, ये पूरे गांव का बच्चा है। चलिए आशीर्वाद दीजिए, आइए।